लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ा था। आज हम लोग रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ेंगे, ठीक है। रिएक्शंस थोड़ा सा लंबा है एंड इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइप के रिएक्शंस पढ़ेंगे। हम लोग अपने नॉर्मल जेनरिक रिएक्शंस जो पढ़ते हैं वो तो पढ़ेंगे ही, उसको छोड़ के हम लोग कुछ नए टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन थोड़ा सा लंबा चल जाना चाहिए, मतलब है काफी सारे रिएक्शंस, ठीक है। तो अगर इसमें कोई रिएक्शंस मेरे साइड से मिस हो गई हो तो उसके लिए भी ध्यान रखना, ठीक है। एंड अपने पास नोट करके रखना, तो वंस वी आर डन या बीच में कुछ भी होता है तो बताना, अकॉर्डिंगली डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शॉर्ट शुरू करते हैं reactions of aldehyde and ketones. सबसे पहला है oxidation of अभी extreme reaction है, शुरुआत में हम extreme reaction से पढ़ रहे हैं, ठीक है। oxidation से अपने काम स्टार्ट हो गया। तो ये जो रिएक्शन है जनरली हम लोगों ने सबसे पहली चीज से सुना है कि यार हाँ बोलो सर, गौरव सर का भी लेक्चर है आज, टेस्ट होने वाला है क्या? थोड़ा लेट रखूँ टेस्ट? तो यार मैंने पिछला वाला ये मतलब दोनों साथ में ही दूंगा, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं कल देने की सोच रहा हूँ टेस्ट आज का। अच्छा सर, ठीक है। हाँ सर, मोस्ट प्रोबेबली कल मॉर्निंग में खुलेगा वो पोर्टल, कल से परसों तक मैं दे देना, ठीक है। ओके सर, शुरू करता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, हम लोग जनरली सुनते हैं कि अल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड और कीटोन पर होता है। वन डिग्री अल्कोहल है अगर टर्मिनल कार्बन पे OH है तो ऑक्सीडाइज होकर जो मिलेगा तुम्हें दैट विल बी अ एल्डिहाइड, लेकिन टू डिग्री कार्बन पे OH है तो आपको कीटोन मिलेगा। अब कीटोन जो है एज सच नॉर्मल किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आगे ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है। लेकिन इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 भी स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन कंडीशंस मेक इट स्ट्रॉन्गर एसिडिक मीडियम में हीट के साथ, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम हाई टेम्परेचर पे जब आप किसी भी कीटोन को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करोगे तो यू हैव टू थिंक ऑफ द कीटोन फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अ इनॉल। ये जो कीटोन है ये अपने इनॉल फॉर्म में भी थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है। जब इनॉल फॉर्म में जाएगा, इनॉल फॉर्म में ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैरी आउट होगा। तो अब इसकी जो दो इनॉल फॉर्म है, एक फॉर्म है ये इस साइड के कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और OH बना दिया, और एक उस साइड के कार्बन के साथ, एक ये इनॉल फॉर्म है एक ये इनॉल फॉर्म है। तो आपके पास ये दो इनॉल फॉर्म है, ना ये दोनों इनॉल फॉर्म के अकॉर्डिंग, यानी जो दोनों इनॉल फॉर्म है दोनों के अकॉर्डिंग आपको करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स मिले, ठीक है। तो अगर आप एक कीटोन को जो कि एक अनसिमेट्रिक कीटोन है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इथाइल है यहाँ पे प्रोपाइल है, अनसिमेट्रिक कीटोन तो आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 एसिडिक मीडियम एंड हीट, एंड वो इनॉल जो है एल्कीन जो है एल्कीन वाले पार्ट को ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक कर देना तो बस तो पता है दोनों साइड से क्या फॉर्म होगा, कार्बोक्सिलिक फॉर्म होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक बार ब्रेक यहाँ से होगा, एक बार ब्रेक यहाँ से होगा, करेस्पॉन्डिंग एसिड्स आपको बनाना है। आप देख रहे हो यहाँ पे दो कार्बन है तो यू एंड अप विद एन एसिटिक एसिड, यहाँ पे चार कार्बन है तो यू एंड अप विद अ ब्यूटेनोइक एसिड। सिमिलरली इस केस में क्या है, इट्स सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड तीन तीन कार्बन है तो आपके पास 1, 2, 3 प्रोपेन प्रोपेनोइक एसिड जो होगा उसके दो मॉलिक्यूल होंगे। तो अगर कोई पूछता है कि इफ ऑक्सीडेशन ऑफ दिस कीटोन टेक्स प्लेस हाउ मेनी यूनिक मॉलिक्यूल्स विल बी
obtained the acetic acid, butanoic acid and propanoic acid. The total three unique molecules आपको मिलेंगे, ठीक है? So this is oxidation of ketone. Again बता रहा हूँ काफी extreme reaction है, extreme इसलिए क्योंकि ये हम generally नहीं मतलब इतना आसानी से होने वाली reaction नहीं है, ठीक है? Haloform reaction of methyl ketones are also oxidation. Haloform reaction को भी आप oxidation का part समझ सकते हो क्या? इसमें यहाँ पे वो आगे discuss किया है, देखते हैं शायद नहीं किया. तो haloform reaction अगर आप लोगों को सबको याद आ रहा है, it was, let's say this is my methyl ketone. यहाँ पे कोई भी एक बड़ा R बोल देता हूँ. haloform reaction में आपको पता है ये जो है haloform में आपके reagent क्या होता है? NaOH I2 या NaOI है ना. मतलब अभी मैं आयोडोफॉर्म की बात कर रहा हूँ. अगर ब्रोमोफॉर्म होगा, क्लोरोफॉर्म होगा, अकॉर्डिंगली आप ब्रोमीन स्केल है ना यूज कर सकते. तो दिस CH3 विल बी प्रेसिपिटेटेड इन द केस ऑफ आयोडोफॉर्म एज CHI3 और ये यहाँ पर प्रेसिपिटेट होगा और ये वाला जो कार्बन है दैट विल गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? तो मैं इसको भी कीटोन का ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोल सकता हूँ, स्पेसिफिकली फॉर मिथाइल कीटोन. आगे बढ़ो. फिर हम बात करते हैं रिडक्शन. नाउ रिडक्शन इज समथिंग व्हिच इज मच इजीियर, मच इजीली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है? अगर आपके पास एक कीटोन है, वीडियो अब कीटोन बना ही होगा 2 डिग्री अल्कोहल से, तो ऑब्वियसली इसका रिडक्शन करके जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी अ 2 डिग्री अल्कोहल. रिड्यूसिंग एजेंट्स कैन बी LiAlH4, इट कैन बी H2 निकल और H2PD और H2PT, इट कैन बी NaBH4, ठीक है? अब H2 निकल, NaBH4, LiAlH4 एज सच बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है. तो क्या होता है कि ये जेनरिक रिएक्शन के लिए जो है कीटोन को सीधा उसने 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है. दिस इज अ जेनरिक रिएक्शन, ये हमको सबको पता होगा, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी. दिक्कत आएगी जब हमारे पास इस टाइप का स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो जहाँ पे दिस इज योर कीटोन और आई वुड से कार्बोनिल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ग्रुप, सी डबल बॉन्ड के अल्फा पोजिशन और बीटा पोजिशन के बीच में अनसैचुरेटेड है. तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के केस में क्या होता है कि ये जो अल्फा बीटा का अनसैचुरेशन है दैट इज इन कॉन्जुगेशन विद द सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है? जब वो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कॉन्जुगेशन में है तो एच टू निकल तो चलो एल्कीन को छोड़ता ही नहीं है, एन ए बी एच फोर भी इसको रिड्यूस कर, ठीक है? और एल आई एल एच फोर इसको रिड्यूस कर पाता है ओनली इन स्पेसिफिक कंडीशन जब यहाँ पे पी एच लगा. अपन ने इसकी बात शायद पिछले क्लास में भी की थी. तो अगर आपके पास नॉर्मल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन है तो आप NaBH4 H2 निकल से दोनों को हटा सकते हैं, आपका डबल बॉन्ड भी जा सकता है, CHO का CH2OH बन जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास LiLH4 है तो वो मिथाइल के प्रेजेंस में इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो नॉर्मली आपके एल्डिहाइड को या इसको सीधा अल्कोहल में ला के छोड़ देगा. अगर आपके पास फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, अगर ये कॉन्जुगेशन इस टाइप का बन रहा है, क्योंकि फिनाइल रिंग का मतलब क्या है, ये सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ तक कॉन्जुगेशन है पीएच रिंग तक, ठीक है? तो इस केस में एल आई एल एच फोर इसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है? नाउ दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक केस, तो उसको तुमको एक स्टार मार्क करके याद रखना होगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर मुझे सिर्फ सी एच ओ को रिड्यूस करना है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच को नहीं करना है, तो क्या? इस केस में तो चलो आपने एल आई एल एच फोर यूज कर दिया, आप एन ए बी एच फोर अवॉइड करोगे क्योंकि आपको एल्कीन को लेट से हाथ नहीं लगाना, आप उसको टच नहीं करना चाहते, तो आप एल आई एल एच फोर यूज कर लोगे. लेकिन व्हेन देयर इज अ पी एच इन द मतलब एरोमेटिक सिस्टम रहेगा बाजू में लगा हुआ, तो उस केस में आपको कुछ और स्पेसिफिक रिएजेंट्स यूज करना. तो लेट से आपको सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है अल्कोहल में, तो यू यूज 9BBL, ठीक है? रिएक्शन के मैकेनिज्म में पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि आई डोंट थिंक किसी ने ऐसा इतना इस पे डिटेल कभी क्वेश्चन आया इस टाइप का है, बट स्टिल वी जस्ट हैव टू नो कि 9BBL जो है
ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ एल्कीन को रिड्यूस करना है, एल्डिहाइड को हाथ नहीं लगाना, तो आई कैन नॉट यूज H2Nickel, क्योंकि H2Nickel एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देगा। तो इन दैट केस वी यूज विल्किंसन कैटलिस्ट, व्हिच इज रोडियम टेट्राफिनाइल फॉस्फीन। रोडियम टेट्राफिनाइल फॉस्फीन कॉम्प्लेक्स है, रोडियम क्लोराइड का टेट्राफिनाइल फॉस्फीन कॉम्प्लेक्स जो है, दैट इज विल्किंसन कैटलिस्ट। एंड ये स्पेसिफिकली इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो दीज आर सम स्पेसिफिक रिएक्शंस जब आपको रिडक्शन को देखना है। रिडक्शन अगेन दिस इज नॉट लाइक कंप्लीट लिस्ट ऑफ रिडक्शन, वी आर ऑल पॉसिबल रिडक्शन विच आर पॉसिबल इन दिस केस। तो इसमें और भी कुछ केसेस होगा, तो हमको जैसे जैसे मिलते जाएंगे हम लोग फिर इस लिस्ट को और बढ़ा करते जाएंगे, ठीक है। और तुम लोगों को भी कुछ याद आता है तो देखते रहना, रिडक्शन में ही आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज क्लेमेंसन रिडक्शन, जहाँ पे मैं सी डबल बॉन्ड ओ को, अभी यहाँ पे मैं सी डबल बॉन्ड ओ को एल्कोहल तक ले जा रहा था। इन क्लेमेंसन रिडक्शन वी आर रिमूविंग द सी डबल बॉन्ड ओ कम्प्लीटली। अब सी डबल बॉन्ड ओ को सी एच टू से रिप्लेस कर रहे हो, मतलब डबल बॉन्ड ओ हटा के वहाँ पे दो हाइड्रोजन लगा रहे हो। इसके लिए ये जो रिएक्शन है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दिस प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन जिंक एमलगम HCl। ये आपका लाइक क्लिकिंग पॉइंट होना चाहिए कि जैसे आपने जिंक एमलगम HCl पढ़ा, ठीक है, तो आपके पास आपको समझ जाना है इट्स अ क्लेमेंसन रिडक्शन। नाउ क्लेमेंसन रिडक्शन अकर्स इन एसिडिक मीडियम, तो अगर आपको एसिड, अगर आपके कंपाउंड में कहीं भी एसिड से कुछ इशू होता है, तो जैसे आप सोचो एस्टर ग्रुप कहीं पे लगा हुआ है, जब आप एसिड डालोगे एस्टर ग्रुप में तो क्या होगा, एस्टर ग्रुप टूट जाएगा। तब ऐसे केसेस में एसिड नहीं यूज कर सकते, तो इन दैट केस यू कैन यूज वुल्फ किशनर, विच इज N2H4, यानी कि हाइड्राजीन इन बेसिक मीडियम। तो अब जिंक एमलगम HCl या हाइड्राजीन बेसिक मीडियम, ये दोनों को यूज कर सकते हो सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में रिड्यूस करने, ठीक है। कुछ इसमें क्लेमेंसन में और कुछ मुझे बताना था, क्लेमेंसन में नदीम प्रेजेंट है क्या? लास्ट क्लास में नदीम ने कुछ एक आंसर दिया था बट मैं क्वेश्चन भूल गया। क्या पूछा था, कुछ तो ऐसा था शायद कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं होता लेकिन किसी और का होता है, ऐसा कुछ तो था। इसको याद आ रहा है वो लास्ट टाइम आपने डिस्कस किया था, क्वेश्चन डिस्कस करते करते आया था। लास्ट क्लास में किसी को डिस्कशन के बाद श्रुति को याद आया शायद, ये श्रुति तुम्हारा ही डाउट था क्या? नेक्स्ट इज डीसल्फराइजेशन विद रेनिनिंग, सेम प्रोसेस करना है हमको, ठीक है। बॉन्डों को हटाना है, उसको रिप्लेस करना है CH2 से, तो हमारे पास एक दूसरा रिएजेंट है, इन दिस केस दिस इज थाई, जैसे आपका डाई ऑल होता है, ठीक है,
इथेन डायोल अगर मैं बोलूँ तो इथेन डायोल क्या होगा, CH2OH, पांचवी CH2OH, दिस इज डायथायोल, तो थायोल का मतलब इट इज SH. अब SH का क्या खासियत होता है कि SH इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, अटैक कर देगा C डबल बॉन्ड O पे, सो टेक्निकली देखो तो एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, वाटर जो है वाटर वहाँ से हट जाएगा, ये जो S के लोन पेयर्स है ये लोन पेयर्स इस कार्बन पे अटैक कर देंगे, बॉन्ड O को हटा देगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड O इन दोनों के हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा वाटर पॉलीग्रुपेट फॉर्म में, और आपके पास मिलेगा साइक्लिक थायो एसिटल. क्या आप लोगों को एसिटल का शेप याद आ रहा है, हम लोगों ने एसिटल स्टडी किया था, दिस वाज योर एसिटल, ठीक है, इसमें हमने हेमी एसिटल भी स्टडी किया था, फिर हमने दिस वाज लाइक अ कीटल का केस था, ठीक है, तो दिस इज थायो एसिटल, ठीक है, तो थायो एसिटल में देयर इज अ सल्फर, एंड अब सल्फर को हटाने के लिए वी टेक द नेक्स्ट स्टेप. अच्छा, फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो ड्राई HCl यूज हो रहा है, ड्राई HCl इज बिहेविंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट ओवर हियर, ठीक है, बस वाटर मॉलिक्यूल को निकालने का काम करेगा. नाउ नेक्स्ट स्टेप, यू वांट टू रिमूव द सल्फर एटम, तो आप क्या करोगे, उसमें H2 निकल डालोगे, H2 रेनेनिकल डालोगे, H2 रेनेनिकल से ये जो दोनों बॉन्ड है ये दोनों बॉन्ड टूट के वहाँ हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन लग जाएगा, इसके साइड भी और इसके साइड भी, तो आपका जो री एजेंट था जो आपने एज अ कैटलिस्ट यूज किया था वो आपको पूरा का पूरा वापस मिल गया, इट्स अगेन रेडी फॉर नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है. सो दिस इज अ रिडक्शन प्रोसेस, तो आपके पास जिंक एमलगम HCl क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, हाइड्राजीन बेसिक मीडियम वुल्फ कुशनर रिडक्शन हो गया, एंड देन दिस थर्ड वन डीसल्फराइजेशन विद रेनेनिकल, तीनों एक ही चीज कर रहे हैं, सी डबल बॉन्ड O को CH2 से रिप्लेस कर, ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन इज पिनाकोल, पिनाकोल रीअरेंजमेंट, ठीक है, अब पिनाकोल रीअरेंजमेंट को देखने के लिए पहले आपने को सबसे पहले पिनाकोल फॉर्मेशन को देखना. नाउ पिनाकोल फॉर्मेशन इज अ वेरी यूनिक रिएक्शन इन इटसेल्फ, दिस इज लाइक वन ऑफ द ओनली रिएक्शंस जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ के कार्बन पे हम लोग फ्री रेडिकल फॉर्म करके दो कंपाउंड्स को जोड़ रहे हैं, ठीक है. सो द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय मैग्नीशियम एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है. अब मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम इज अ मेटल, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा कुछ कुछ, और मैग्नीशियम के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो दो इलेक्ट्रॉन आपके सी डबल बॉन्ड O को ब्रेक करने के काम आएंगे, सी डबल बॉन्ड O को ब्रेक करके जो आपका डबल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, एंड आपके कार्बन पे एक एक फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा. बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन है, ये फ्री रेडिकल आपस में बॉन्डिंग कर लेगा, यू एंड अप विथ दिस काइंड ऑफ अ कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स यू पिनाकोल, ठीक है. दिस इज पिनाकोल, दिस इज लाइक क्या बोलते हैं एडजेसेंट में दो ओएच लगे, दिस इज अ डायोल, ठीक है. अभी पिनाकोल की ड्यूटी ये है कि इन प्रेजेंस ऑफ एसिड दिस पिनाकोल अंडरगोस रीअरेंजमेंट, क्योंकि उसके पास दो ओएच ग्रुप है, ठीक है. तो आप अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो एक साइड का ओएच ग्रुप जो होगा वो लेफ्ट से निकल जाएगा, तो निकल के जाएगा या पे H+ लग गया, वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल गया, यू हैव अ कार्बोकैटायन ओवर हियर. Now this carbocation will be stabilized by a rearrangement, methyl shift होगा. Methyl shift क्यों होगा, यहाँ पे methyl shift होने का सबसे बड़ा reason है कि ये जो carbon है इस पर अगर plus charge आएगा तो उसको stabilize करने के लिए यहाँ पे oxygen बैठा होगा. तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा mechanism बताया हुआ है कि water molecule निकल गया, double bond के लिए oxygen अपना lone pair इसको carbon को दे दिया, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ चुका था और प्लस चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे कीटोन बन गया और एक साइड में ओएच पूरी तरह चला गया. तो दिस इज
पिना कोलन। अब एक चीज आपको समझ में आ रही है, दिस इज नॉट अ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। आपके पास पहले दो अल्कोहल थे, ठीक है, दोनों अलग अलग कार्बन पे थे, अब आपके पास एक ही कार्बन पे दोनों हुए थे, ऐसा सोचो, ठीक है। तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, एक ही कार्बन पे दो हुए चाहते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, दैट्स व्हाई यू हैव अ कीटोन। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है, इट्स नॉट अ ऑक्सीडेशन और समथिंग। यहाँ पे पिनाकोल फॉर्मेशन को आप रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। पिनाकोल फॉर्मेशन इज रिडक्शन, फिर उसके बाद पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट। काफी स्पेसिफिक रिएक्शन है, ठीक है, जब एग्जाम में आएगा, टेस्ट में आएगा, तुम्हारे पास ये जो मेटल है मैग्नीशियम अमल का, ठीक है, रिसीव विद द गिव अवे पॉइंट, यहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ तो ऐसा होना कि मैग्नीशियम एमलगम बहुत कम यूज हुआ है अपना, ठीक है। हम लोग मैग्नीशियम को जनरली उधर ही यूज किए ग्रिगनार्ड के बाद, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, रिएजेंट के ऊपर फोकस करो, ठीक है। बाकी रीअरेंजमेंट, ये जो प्रोसेस ऑफ पिनाकोल फॉर्मेशन का, ये एकदम इंट्यूशनल नहीं है, ऐसा नहीं है कि देखते ही आपको चमक जाएगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट ही आपका रिएजेंट ही बताएगा कि ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीडेशन करके क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है। फिर हमने देखा उनका रिडक्शन हो सकता है, फिर हमने ये भी देखा कि रिडक्शन आप पूरा अल्कोहल के जगह उसको डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम सी डबल बॉन्ड ओ के ऊपर न्यूक्लियर के लिए एडिशन कर रहे हैं। सी डबल बॉन्ड ओ इज लाइक वल्नरेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और इसका मेन रीजन क्या होता है कि इसके डबल बॉन्ड ओ में ओ इज हाईली नेगेटिव, इट्स अ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होता है, इस पर डेल्टा नेगेटिव ज्यादा होता है, द न्यूक्लियोफाइल टेंड्स टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो अब इस केस में अगर आप ग्रिगनार्ड डालते हो, तो ग्रिगनार्ड डालते ही आपको पता है कि आर माइनस इज योर न्यूक्लियोफाइल, आपने आर माइनस का अटैक करवा दिया कीटोन के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ के ऊपर, सी डबल बॉन्ड ओ विल बिकम सी सिंगल बॉन्ड ओ। अभी सब पानी डालने की जरूरत है, पानी डालते ही यूगेट है नंगो, तो दिस इज काइंड ऑफ अ रिड्यूसिंग रिडक्शन टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कीटोन से अल्कोहल मिलेगा, आपको एल्डिहाइड से भी अल्कोहल मिलेगा, लेकिन आपका जो अल्कोहल होगा जो कीटोन, जैसे अगर आपके पास एल्डिहाइड है, ठीक है, तो एल्डिहाइड से आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। आपका एक कार्बन बढ़ रहा है, ठीक है, विच इज कमिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। सर वाटर की जगह कुछ भी दूसरा डाला तो हम लोग को ईथर मिल जाता है, वाटर की जगह कुछ दूसरा मतलब कोई तो कार्बन चेन वाला कंपाउंड डाल, अल्काइल हैलाइड डाल दे, हाँ अल्काइल हैलाइड है ना, तो अल्काइल हैलाइड डाले ईथर मिलेगा ना, अब वो बहुत जरूरी है कि छोटा अल्काइल हैलाइड, ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि आपने कीटोन से ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बन लेके चले गए, और 3 डिग्री कार्बन का जब तुम अटैक कराओगे, instead of being as a nucleophile, it might also work as a base. तो ऐसा ना हो कि तुम्हें ether चाहिए and you end up with an alkene or something like that. ये बहुत specifically choose करना हो, ठीक है? क्योंकि इस possibility है, ठीक है? Yes. Next nucleophilic attack can be using a cyanide. साइनाइड जो है, साइनाइड का जो सी एन माइनस जो होता है, सी एन माइनस ग्रुप कैन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, सी डबल बॉन्ड ओ पर सीधा अटैक कर सकता है, एंड इट कैन फॉर्म साइनोहाइड्रिन। तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज साइनोहाइड्रिन, इसमें कुछ नहीं हो, कार्बन डबल बॉन्ड ओ के ऊपर साइनाइड ने अटैक कर दिया। फॉर दिस रिएक्शन टू प्रोसीड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू कैरी इट आउट इन बेसिक मीडियम, क्योंकि इट्स अ वीक एसिड, एच प्लस और सी एन माइनस अलग अलग होंगे ही नहीं,
अगर आपका मीडियम ऐसे दिखे, और अगर अगर वो अलग अलग नहीं होंगे तो फिर अटैक हो नहीं पाएगा, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर इन केस ऑफ स्टेबल सैंपल, हाँ तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको रेसिमिक मिक्सचर मिल सकता है, बिकॉज आप हर बार देखो यू आर अटैकिंग एसपी टू हाइब्रिडाइज कार्बन। अब एसपी टू हाइब्रिडाइज कार्बन पे आप अटैक करोगे तो आपको पता है कि इट विल गेट कन्वर्टेड टू एसपी थ्री, और एसपी थ्री होते ही देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ आपका क्या बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फॉर्मेशन की, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स और रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर की कर रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर का अटैक है, दिस इज लाइक ऐसा नहीं है कि कोई पहले चले गया और मतलब किसी के फोर्स होने से कोई चला गया, मतलब एसपी टू से एसपी थ्री बना रहे हो तो कहीं से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियर कार्बन पे। एसपी टू इज अ प्लेनर कंपाउंड, ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी अटैक हो सकता है, ठीक है। Now we have talked about cyanide. Cyanide means C minus attack C double bond O पे, it got converted to alcohol. Now you can use the cyanide to convert it into a carboxylic acid. This is alpha hydroxy carboxylic acid. कुछ भी नहीं करना है, acidic dilute acid डाल दो कोई भी, ठीक है। H plus आएगा, carbon के ऊपर OH लगता जाएगा, nitrogen के ऊपर H लगते जाएंगे, ammonia तुम्हारे पास से निकल जाएगा, and you will end up with अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन, देखते हैं इसमें कुछ और आगे आता है फिर अपन और देखते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ सी डबल बॉन्ड बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर आप HSO3 माइनस को यूज करना चाहते हो तो आप HSO3 माइनस को भी यूज करके इसको इस पर अटैक करवा सकते हैं। तो अटैक करने के बाद आपके पास जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड SO3 माइनस इज अ लाइक अ गुड मीडियम, तो आपको आगे जाके अगर उसका मीडियम को यूज करना है, कुछ और रिएक्शन करवानी है, तो यू कैन यूज इट टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट। इन केस ऑफ स्टेरिक हिंडरेंस ड्यू टू 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप दिस रिएक्शन वोंट डाउन। तो HSO3 माइनस अपने आप में बहुत बड़ा बल्की सा न्यूक्लियोफाइल है, तो ऑब्वियसली स्टेरिक के लिए हिंडर्ड कार्बन के जाके अटैक नहीं करेगा, तो ये रिएक्शन भी अपने आप में छोटे या मतलब लेस हिंडर्ड कार्बन के लिए ही पॉसिबल हो पाए। तो सल्फोनेशन ज्यादातर इसमें रिएक्शंस में नहीं आता ना? नहीं आता सल्फोनेशन, हम लोग जनरली पढ़ते एरोमेटिक कंपाउंड्स में, ठीक है। हाँ सर, नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल विद अमीन, ऑफ द सी डबल बॉन्ड विद अमीन। तो अमीन में हमारे ये ग्रुप बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बाद एक और बॉन्ड इसका किसी के भी साथ हो, वी विल लुक एट ऑल द केसेस, लेकिन ये ग्रुप बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो डबल बॉन्ड ओ है और आपका एन एच टू जो है, ये खटाक से पानी हटा देगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एंड यू विल एंड अप विद द सी डबल बॉन्ड एन, ठीक है। तो आपका साइड में जो भी ग्रुप लगा हुआ है लेट इट बी, आपका अमीन जो है हीट करोगे जब आप इसको कीटोन के साथ या एल्डिहाइड के साथ, तो आपका सी डबल बॉन्ड वो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करके निकल जाएगा, यू विल एंड अप विद सी डबल बॉन्ड एन। अब सी डबल बॉन्ड एन के आप साथ आगे क्या करते हो दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक रिएक्शन बताऊंगा 2 मीटर को, फेनोक्सिलीन वाली रिएक्शन शायद। अगर आपके पास जेड में जेड इज एन ओएच तो द प्रोडक्ट फॉर्म इज एन ऑक्सेन, हम लोगों ने ऑक्सेन के बारे में पढ़ा था जब हम लोग नोमेनक्लेचर भी स्टडी कर रहे थे, नोमेनक्लेचर में अगर आपका क्या था नोमेनक्लेचर याद है ना, ओएच और एच एक साइड में होगा तो वी विल कॉल इट ईजेड था, सी नाइनटी था, और भी था क्या जो ऑक्सीजन प्लेस स्पेसिफिक था? मतलब सी नाइनटी लोन पेयर के लिए था ना, तो वही अच्छा सी नाइनटी वाला ही था ना, तो वही था।
फिर अगर आपके पास जेड में NH2 लगा हुआ है, दैट्स अ हाइड्राजोन। अब हाइड्राजोन के ही अलग अलग वर्जन हो सकते हैं। हाइड्राजोन में हाइड्रोजन का फिनाइल लगा हो तो डबल बॉन्ड NHPH हो जाएगा। अगर वहाँ पे कुछ और लगा हुआ है CONH2 लगा हुआ तो NHCONH2 इज सेमी कार्बाजोन। ठीक है, इसका जो रिएक्शन है ये एक हेलो सर। हाँ सर, सच में सॉरी पर आप फिर से एक बार प्लीज पिनाकोलर अरेंजमेंट बता सकते हो क्या? फिर से बताओ। हाँ सर प्लीज। और ये वाला एक पेज खत्म कर देते हैं। ओके सर, सॉरी सर। तो मैं बोल रहा हूँ 2,4-DNP जो है, 2,4-DNP इज अ रिएजेंट डाइनाइट्रो हाइड्राजोन लिख लेंगे इस रिएजेंट को 2,4-DNP। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म। 2,4-DNP इज यूज टू डिटेक्ट सी डबल बॉन्ड। ठीक है, कहीं पे भी आपका सी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप 2,4-DNP को यूज करके उसको डिटेक्ट कर सकते हो। डिटेक्शन में तो 2,4-DNP इज येलो कलर्ड सॉलिड, इसको ग्रेडीज रिएजेंट बोलते हैं क्योंकि ठीक है। और ये जो कंपाउंड है 2,4-DNP ये येलो कलर का होता है, शायद से ये रेड कलर का सॉल्ट फॉर्म करता है। एनएल्डिहाइड है, ठीक है, क्या फॉर्म करता है वो मेरे को Brady's reagent with carbon compounds give 2,4-dinitrophenyl hydrazone. 2,4-dinitrophenyl hydrazone product which is obtained as a yellow crystalline solid. तो ये येलो प्रोडक्ट फॉर्म होता है 2,4-DNP अगर आप डालोगे तो ये हाइड्रोजन जो फॉर्म होता है इसका खुद का कलर येलो। ठीक है, 2,4-DNP जो है दैट इज हाइड्राजीन, इसको मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ। क्या मतलब फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, ये येलो कलर सॉलिड अगर आप क्रिस्टल येलो कलर क्रिस्टल ले देते हैं आपको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, ये क्रिस्टल बनेगा, दैट इज अ डिटेक्शन टेस्ट फॉर फर्टिलाइजर। ठीक है, इसको लिख लो रिस्पॉन्ड। अब अपन जाते हैं एक बार फिर से सर सी डबल बॉन्ड दो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ देता है या सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मतलब
कार्बन चेन सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं देगा। और सर बाकी के वो टेस्ट रहते हैं जो सी डबल बॉन्ड ओ को डिटेक्ट करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वर्क नहीं करते ना? कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में बहुत अलग है, मतलब नहीं ऐसा तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा जो CO2 को देता है। अगर कुछ हुआ तो अपन देखते हैं, बट ये सारा तो नहीं है। चलो ये तो नहीं कहना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यू कैन नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज इट। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड किसी का टेस्ट देगा, सो लॉजिकली जो मुझे लग रहा है वो टेस्ट अगर देगा भी तो इट वुड बी सम काइंड ऑफ अ रिडक्शन वाला टेस्ट, ऑक्सीडेशन वाला तो कोई भी नहीं। ठीक है, बट इट्स सोहम, मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? मस्तान सोहम, मेरा आवाज ब्रेक हो, बीच-बीच में थोड़ा कट रहा है, तो सराउंडिंग का आवाज थोड़ा ज्यादा आ रहा है। नॉइस आ रहा है? हां सर, हां डिस्टरबेंस है। तो अभी कम हुआ क्या कुछ? Yes, sir. ठीक, पहले वाले माइक में बेटर आवाज आता था, ये इस वाले में बेटर आ रहा है? इस वाले में आवाज बेटर है ना, मतलब क्लैरिटी ज्यादा है, बट वो आसपास की क्लैरिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। समझना पड़ेगा मेरे को कुछ। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? हम लोग बात करने वाले थे पिनाकल, पिनाकल था ना। इसने पूछा था श्रीधर, श्रीधर तुम्हारा डाउट था क्या पिनाकल, पिनाकल? जब आप मैग्नीशियम अमलगम डाल रहे हो, मैग्नीशियम अपने दो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ठीक है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है मैं एक इलेक्ट्रॉन जाके लेकिन अगर ये फॉर्म हो रहा है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस इन दोनों के बीच में आपस में बॉन्डिंग हो जाए, ठीक है, क्योंकि और कहीं पे बॉन्डिंग का कोई स्कोप है नहीं। तो दो मॉलिक्यूल्स आपस में फ्री रेडिकल जोड़ लेते हैं, क्योंकि देखो बाजू में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन लाने का तो किसी में हिम्मत है नहीं, कार्बन ये कर नहीं पाएगा, तो ऑक्सीजन का ऑलरेडी माइनस चार्ज है, और ये फ्री रेडिकल ऑलरेडी काफ़ी इसमें भी है कि जल्दी से कहीं रिएक्ट कर ले, और उसके पास पॉसिबल ऑप्शन यही एक बचता है। ठीक है, इसको छोड़ के और दिस इज लाइक अ मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, तो ये दो आपस में बड़े आसानी से बॉन्ड कर लेते हैं एंड यू एंड अप विथ दिस काइंड ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, तो तुम लिटरली ये सोचो कि तुम्हारे पास जो कीटोन था वो दो कीटोन आपस में जुड़ गए। ठीक है, अब आपस में जुड़े तो कैसे जुड़े, यहाँ से जुड़े तो इनके ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गए एंड यहाँ पे दोनों जगह वो है चक्कर। दिस प्रोडक्ट इज पिनाकल, ये यहाँ तक समझ में आ रहा है? सर ठीक है, अब ये जो पिनाकॉल है, ये पिनाकॉल आगे रीअरेंज हो सकता है। अब रीअरेंज किसके साथ हो सकता है, तो हो सकता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ठीक है,
तो अगर लेट्स से मैं इस वाले OH पे फोकस करता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, मतलब मेरे पास H प्लस है, H प्लस इसके पास गया, नाउ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का मतलब क्या है, इट्स ऑल्सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से निकाल दिया, तो यू हैव अ कार्बोकैटायन फॉर्म्ड ऑन दिस कार्ब। अब आप इमेजिन करो कि ये कार्बोकैटायन इजीली रीअरेंज हो सकता है, क्योंकि क्या है, बाजू में एक मिथाइल ग्रुप है, अगर ये मिथाइल शिफ्ट होके इधर आ जाता है तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास ये वाले कार्बन पे तीन कार्बन हो जाएंगे, और यहाँ से जो एक कार्बन छोड़ के गया था यहाँ पे, जो एक कार्बन छोड़ के गया था जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, उसको आपका ऑक्सीजन लोन पेयर देके स्टेबलाइज कर देगा, तो सी डबल बॉन्ड ओ फॉर्म हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो ये रिएक्शन को अपने आप आगे ले जाएगा, रीअरेंजमेंट के लिए एक पॉजिटिव स्टेप हो जाएगा, रीअरेंजमेंट क्योंकि तभी होगा जब आपके पास रीअरेंजमेंट के बाद वाला प्रोडक्ट इनिशियल वाले रिएक्शन से स्टेबल हो, ठीक है। तो बस या सी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन इज द आगे ले जाने वाला क्या बोलते हैं स्टेप, एंड फिर आगे पर स्पिन कॉलम फॉर्म हो गया, ठीक है। यस सर, आगे बढ़ते हैं। हमने ब्रेडीज रिएजेंट तक बात किया था, डिटेक्शन ऑफ सी डबल बॉन्ड। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ, अभी हम अमीन की बात कर रहे हैं कि सी डबल बॉन्ड अमीन के साथ किस हिसाब से रिएक्ट करेगा। सी डबल बॉन्ड और NH2 सी डबल बॉन्ड N फॉर्म कर देगा। अब आप जेड के जगह पे हाइड्रोजन लगा दो तो दिस रिएक्शन वुड बी रिएक्शन विद अमीन। रिएक्शन सिमिलर सी है, अमोनिया अटैक करेगा, यू विल गेट सी डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अब ये जो सी डबल बॉन्ड NH है, इसको आगे आप कैसे यूज करना चाहते हो यूज करो। अगर आपके पास एसिटल्डिहाइड है अमोनिया डालते हो तो ये जो फॉर्म होता है दिस इज अ एल्डिमाइन, ठीक है, इट्स अ इमाइन, बेसिकली इमाइन जो है ये। अब आप आगे इसको चाहो तो इसका इजीली हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, H प्लस डाल दोगे तो ये इजीली हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड वापस मिल जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड जो है अपने आप में भी काफ़ी इजीली ब्रेक किया जा सकता है और इजीली फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। एट अ वेरी लो टेम्परेचर, अगर आपके पास है एसीटोन, तो एट अ वेरी लो टेम्परेचर अमोनिया एसीटोन के साथ रिएक्ट करके इस टाइप का एसीटोन अमोनिया टाइप का एक कंपाउंड फॉर्म कर देगा। तो दिस इज बेसिकली बस अमोनिया ने अटैक कर दिया और रिएक्शन उस स्टेप पे रुक गए, दैट्स वाई लो टेम्परेचर। अगर यहाँ पे हीट होता तो हीट होता तो ये हाइड्रोजन और ये OH निकल जाता है एंड यू विल अगेन एंड अप विद अ सी डबल बॉन्ड ऑफ NH, ठीक है। तो दिस हैपेंस विद एसीटोन एट वेरी लो टेम्परेचर। ये शायद एल्डिहाइड के लिए साथ भी होता होगा, लेकिन आई विल हैव टू कंफर्म दोज रिएक्शंस। बट ऐसा कुछ मतलब अगेन लो टेम्परेचर है तो रिएक्शन तुम समझ लो कि ये स्टेप तक पहुंची नहीं, इसके पिछले स्टेप पर रुक गई, तो पिछला स्टेप वुड बी दिस थिंग, ठीक है। अभी स्टेप से आगे कौन सा हीट कर दोगे तो एल्डिहाइड पे पहुंच जाओगे, ठीक है। सो दिस इज रिएक्शन विद अमीन। नाउ दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन जो कि सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड ही कैरी आउट करता है अमोनिया के साथ। फॉर्मल्डिहाइड, अभी अगर हम लोग नॉर्मली सोचते तो हमें क्या लगता है, फॉर्मल्डिहाइड है, अमोनिया अटैक करेगा या नीचे से, ठीक है, यू विल एंड अप विद समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लेकिन ये ग्रुप और ये ग्रुप बहुत इजीली डिहाइड्रेट किए जा सकते हैं और ओवरऑल ये मॉलिक्यूल भी बहुत छोटा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट हैपेंस ओवर हियर, किसी और NH2 के पास से
अगर ये OH हाइड्रोजन छीन ले तो उसने एक नया C डबल बॉन्ड NH मतलब C सिंगल बॉन्ड C N और किसी एक C का एक बॉन्ड नया खोल दिया, ठीक है. Now this NH2 decides to react with some other OH and यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल के यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया. तो बेसिकली डिहाइड्रेशन करवा के यू कैन एंड अप विद दिस काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. दिस इज हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन. इसका नाम है यूरोट्रोपिन. इट्स अ काइंड ऑफ अ मेडिसिन, एक मतलब ड्रग की तरह यूज होता है, ठीक है. एंड इसका फॉर्मेशन अगर आप देखो तो ये फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग है. आप सोचो ये सी एच टू एक साइड एन एच टू रहा होगा और एक साइड ओ एच रहा. वो ओ एच ने किसी और एन एच टू के साथ बॉन्ड फॉर्म करके वाटर मॉलिक्यूल हटवा दिया. और हर एन एच टू बेसिकली ऐसे तीन ओ एच के साथ तो रिएक्ट कर ही लेगा एंड यू विल हैव दिस काइंड ऑफ अ साइक्लिक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन दिस केस, ठीक है. ये सब कोई दिख रहा है ये कैसा है. इट्स अ थ्री डायमेंशनल कंपाउंड. आप इमेजिन करो सारे के सारे नाइट्रोजन जो है दे आर ऑल एस पी थ्री हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है. तो आप इसको सर्च करना हेक्सामेथिलीन टेट्रामिन. और ये कंपाउंड भी अगेन इसका आगे का रिएक्शन तो मुझे नहीं पता इसमें, लेकिन आई थिंक इसमें अगर आप एसिड डालोगे तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड वापस ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए. फॉर्मल्डिहाइड इतना छोटा है कि ये फॉर्म कर रहा है. ठीक है, मेरे पास एक एक स्टेटमेंट और लिखा हुआ है कीटोन्स ऑल्सो फॉर्म कीटोन अमोनिया. जैसे हमने पिछले पेज पे देखा था एल्डिहाइड से हमने एसीटोन अमोनिया फॉर्म किया था, वैसे कीटोन्स ऑल्सो फॉर्म कीटोन अमोनिया बट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड. तो आप अलग से उसको सेपरेट आउट कर नहीं सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते, आइसोलेटेड, ठीक है. बट वही एल्डिहाइड के केस में आप उस कॉम्प्लेक्स को एल्डिहाइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स को सेपरेट आउट कर सकते हो. तो एज सच तो इसका कोई सीधा यूज है नहीं, बट ठीक है, जस्ट इंफॉर्मेशन करके याद रखना, ठीक है. सो दिस इज कीटोन अमोनिया. दिस इज नॉट कीटोन अमोनिया, दिस इज द एल्डिहाइड अमोनिया. कीटोन अमोनिया ये था आपके नीचे और एसीटोन अमोनिया जो था, ठीक है. इसलिए आप देख रहे हो बहुत लो टेम्परेचर पे ही उसको रिएक्ट करवाया जा रहा है, ये इंटरमीडिएट सेपरेट आउट नहीं हो पाता. दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं. तो कुछ इधर देख नहीं रहा. अब अगर आपने अमोनिया का अटैक करवाया है तो ऑब्वियसली पानी का भी अटैक करवा के देख ही सकते हैं, ठीक है. अब पानी का अटैक सी डबल बॉन्ड ओ पे इट्स लाइक इट्स अ मतलब क्या कहते हैं आप इनो इक्विलिब्रियम टाइप का रिएक्शन है, रिवर्सिबल टाइप का रिएक्शन, ठीक है. अब ये इक्विलिब्रियम जो है इस इक्विलिब्रियम के लिए हमको के की वैल्यूज दी गई. तो अगर आप एसीटोन यूज करते हो, ठीक है, जो कि आपके पास फर्स्ट केस है, तो एसीटोन will form, this is hydrated form of compound, hydrated compound बोल दो इसको, ठीक है. तो एसीटोन जो है एसीटोन का हाइड्रेटेड कंपाउंड फॉर्म होने का जो ये के इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू दैट इज 0.002, ठीक है. लेकिन वही अगर आप एल्डिहाइड पे आते हो, जस्ट सेकेंड,
सो मैं बता रहा था कि एसीटोन के केस में यू हैव टू मिथाइल ग्रुप्स, इसके चलते अब देखो एक मिथाइल ग्रुप हटाते ही आप देख रहे हो कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी चेंज हो जा रही है, 0.002 से 0.1 आ जाती है। और आपने अगर दूसरा मिथाइल भी हटा दिया तो 0.1 से लिटरली 2000 चले जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो इफेक्ट हो रहा है, इस इफेक्ट को थोड़ा सा समझते हैं कि व्हाई डू यू थिंक दिस थिंग इज हैपनिंग, मतलब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ये इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होना चालू हो जा रहा है, समझा। तो इक्विलिब्रियम राइट में क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि आपके पास ये जब वाटर अटैक करेगा सी डबल बॉन्ड ओ पे तो ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर के डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे। नाउ व्हेन यू हैव अ मिथाइल ग्रुप अटैच हियर तो दोनों के दोनों अपना प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करने के चलते कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर आपके पास एक ही मिथाइल ग्रुप है तो कंपेरेटिवली कम प्लस आई शो करेगा, ठीक है। अगर आपके पास दोनों साइड मिथाइल नहीं है तो आप देख सकते हो प्लस आई इफेक्ट नहीं आने के चलते लिटरली के देख लो 0.002 से 2000 हो गई, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप कह सकते हो 10^6 टाइम्स बढ़ गई। तो आप समझ सकते हो मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है आपको यहाँ देखने मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं फॉर्मल डिहाइड, जो फॉर्मल डिहाइड है इसको अगर मैं पानी में रखूँ या डाइल्यूटेड फॉर्म में रखूँ तो ये हमेशा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रेटेड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब यही प्लस आई इफेक्ट का जो पॉइंट है, ठीक है, अब ये प्लस आई इफेक्ट वाली जो चीज है, प्लस आई इफेक्ट वाली चीज को और एग्जाम्पलीफाई करने के लिए आप वहाँ पे माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा दो। अब वहाँ पे माइनस आई इफेक्ट के लिए हमने क्या लगाया, CCl3 लगाया, यहाँ गलत लिखा है, इट्स नॉट एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इट्स अ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तब माइनस आई इफेक्ट है तो आप सोचो कि उसके चलते यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ने वाली है, यू हैव अ के का वैल्यू 3000, ठीक है। आपको MS जवान में एक क्वेश्चन डायरेक्टली इसके ऊपर मिलने वाला है, ठीक है, इसी तरह का। तो आइडिया इतना ही है कि प्लस चार्ज डेंसिटी बढ़ने के चलते उसके ऊपर अटैक हो पा रहा है, एंड अटैक होने के चलते वो जो अपने हाइड्रेट फॉर्म में है वो इजीली चला जा रहा है, ठीक है। कहीं तो क्लोराइड को मेंशन किया है, कॉन्जेस्टेबल पर्सन इधर ही मैं क्लोरल बता देता हूँ आपको, क्लोरल एक्चुअली अपन बाद में भी पढ़ेंगे, CCl3CH। यहाँ तो चलो मिथाइल ग्रुप लगाए, मिथाइल ग्रुप अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता देन यू वुड हैव गॉटन दिस कंपाउंड एंड दिस इज कॉल्ड क्लोरल। अगर आपको याद आ रहा है पिछले क्लास में जहाँ पे भी हमने DDT फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, डाई फिनाइल डाई इथाइल ट्राइक्लोरोइथेन, याद आ रहा है क्या? यस सर। तो तब हमने क्लोराइड के बारे में बात किया था, स्नैपशॉट लीजिए, थैंक यू। CCl3CHO reacts with chlorobenzene K2 molecules in presence of concentrated H2SO4, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CCl3CH है। ये जो कंपाउंड है ये है DDT, अगेन दिस इज नॉट अ IUPAC नेम, दिस इज अ ट्रिवियल नेम, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन।
This is a very strong, it's been discontinued since now almost 50 years. DDT अपने मतलब initially pesticides कैसे थे कि जब बस एक आया जिसने यूज करके देखा हाँ मर रहा है तो यूज करो. अब प्रॉब्लम ये था कि DDT एक इतना कॉम्प्लिकेटेड पेस्टिसाइड था कि ये आप सोचो जो अपना जो फूड चेन है, ठीक है, अपन फूड पिरामिड बनाते हैं तो वो जो फूड चेन है वो फूड चेन में ऊपर तक चली गई. ऊपर तक का मतलब ये है लिटरली वल्चर्स वे आर गेटिंग अफेक्टेड बाय DDT दैट वाज स्प्रेड ऑन द प्लांट्स. नाउ वल्चर्स डोंट ईट प्लांट्स, प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स, एनिमल्स डाई. आफ्टर द डेथ ऑफ एन एनिमल उसकी जो बॉडी होती है कारकासेस होते हैं ये सब वल्चर्स खाते. तो एक प्लांट के लाइफ टाइम के बाद, एक एनिमल के लाइफ टाइम के बाद एक थर्ड ये क्या बोलते हैं इसको, ये पिरामिड का मेरे को नहीं पता, बट वो थर्ड स्टेज का जो एनिमल है इवन दैट वाज गेटिंग अफेक्टेड बाय DDT. इट इज दैट स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड. सो दिस इज वेयर पीपल अंडरस्टूड कि यार ये चीज लॉन्ग टर्म अपने लिए अच्छी नहीं है, तो इट वाज डिसकंटिन्यूड. And a lot of such chemicals exist in market still and not a lot of study has been done. क्योंकि क्या होता है एक बार एक चीज फेमस हो जाती है DDT, मतलब आप लिटरली गांव गांव में भी जाके पूछ लोगे ना कि किसी किसान विसान फार्मर वार्मर से बात करोगे तो आपको बोलेगा हाँ DDT डाल दिया. अब भले वो DDT को किसी और मतलब कंपाउंड को बोल रहा है लेकिन इट बिकेम जैसे मैगी जैसा हो गया था, उतना फेमस हो गया था तो उसको कोई नूडल्स नहीं बोलता. तो वही बात है. So this is DDT, that's the reason JEE, NEET, they are interested in like keeping question around this thing because it has a historical significance. ठीक है, तो DDT ध्यान रखना. ऐसे तो एक दो बार आ चुका है तो अब मुझे नहीं लगता JEE में वापस आएगा because repeat तो कुछ होता नहीं है लेकिन it can come in some another form. Hello sir. हाँ सर, DDT पे कोई कौन सा एग्जांपल है क्या? एग्जांपल? हाँ सर, मतलब क्वेश्चन का. हाँ हाँ, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता किसी, ये ग्रेड 10 का क्वेश्चन. कंपाउंड फॉर्म्ड, देखो ये 2004 का क्वेश्चन, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है यार. ये कैमेक्सिन जो है, मेरे को कैमेक्सिन शायद बताना था लेकिन मैं भूल गया बताना. एक बार देखो गैमेक्सिन इज लिंडेन C6H6Cl6. ये मैंने आप लोगों को बताया था लिंडेन, ठीक है. दिस इज गैमेक्सिन, याद रखना, नाम से पूछा जा सकता है क्योंकि देखो JEE, ये JEE के ऑप्शन, ठीक है. अभी गैमेक्सिन के साथ अगर कोई स्टोरी अगर अटैच होगी पता है तो इट्स न्यूरोटॉक्सिन दैट इंटरफेयर विद गाबा न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शनिंग बाय, ठीक है. लिंडेन इज मॉडरेटली हैजार्डस. तो अब इसके साथ भी कुछ एक कहानी तो रही होगी, देखो फैराडे से शुरू हुई है. एक बार मैं कहानी समझ के फिर आप लोगों को बताता हूँ इजी करके, ठीक है. बट हेक्साक्लोरो इथेन, ठीक है. फ्रियॉन सबको पता है फ्रियॉन क्या है, कंपनी बना
लियोन के वो नहीं होते हैं। CCl2 F2, ठीक है। फ्रियॉन वॉज अभी भी यूज होता है एज अ रेफ्रिजरेंट, फाउंड टू बी हार्मफुल टू ओजोन, इट वॉज बैन। क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स जो थे, CFC जो था, उस CFC को रिप्लेस करने के लिए हमने फ्रियॉन्स लाए थे। नाउ इवन दे आर फाउंड टू बी डेंजरस। ठीक है, मैं ये फ्रियॉन्स की भी कहानी पता करता हूँ, कुछ तो इसके अराउंड कहानी होगी। बट जेई की ये आदत है, जैसे मैं एक बताऊँ तुमको एक एग्जांपल, 92 या 94 में नोबेल प्राइज मिला था फॉर डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्या था जो साइक्लिक C60, क्या होता है C60 को, क्या बोलते हैं, फ्लोरीन, क्या कह रहे हो? फ्लोरीन, ये सॉरी मैं तो सुन ही नहीं आया तुम्हारा आवाज। तो C60 जो है, C60 फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का स्ट्रक्चर के लिए अराउंड 92 या 94 में कभी तो भी नोबेल प्राइज मिला था। एंड उसी साल जेई में 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ गया था कि फ्लोरीन के अंदर कितने 6 मेंबर्ड कार्बन और 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग होगा। इमेजिन करो कि जेई क्या एक्सपेक्ट करता है, मतलब कहाँ उनका एक्सपेक्टेशन रहेगा। दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन पुटिंग वन क्वेश्चन जो कि रियल टाइम कहीं पे कहीं यूज हो रहा हो, ये उस टाइप के क्वेश्चन में है। ठीक है, इसी चीज़ों के लिए बस आंखें खुले रखना, ऐसा नहीं बोलूँगा एकदम फोकस करना, बट दे विल बी वेरी स्पेसिफिक, दे विल वेरी वेरी स्पेसिफिकली अराउंड योर सिलेबस ओनली। ऐसा नहीं होगा कुछ बाहर का चीज़ आएगा, बट यही है कि आपसे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी है। ठीक है, आगे बढ़े। तो हम लोगों ने रिएक्शन विद वाटर देखा, हाइड्रेट फॉर्म्स ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद PCl5। PCl5 जो है सबको पता है क्लोरीन से OH को रिप्लेस करता है क्लोरीन से। सी डबल बॉन्ड O को हम लोग इमेजिन करेंगे एज कार्बन हैविंग 2 OH, मतलब सेम कार्बन हैविंग 2 OH ग्रुप्स। तो दोनों OH रिप्लेस हो गए और उनके जगह पे Cl लग गया। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल है, डायरेक्ट है। ठीक है, साथ में आपको मिलेगा POCl3। इसी के साथ हमने अपने अपग्रेडेशन कर लिया। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दिस, नीचे क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम लिखे हैं। यस, मैंने ओपन और ऑक्सीडेशन को लेके बात किया था, अपन लास्ट क्लास में ही बात किया ना ओपन और ऑक्सीडेशन। यस सर, ये यहाँ पे लिख के रखा हुआ था मैंने, ये कौन है, तेरे लेक्चर में नहीं ऐड किया था शायद? नहीं नहीं ये लेक्चर नहीं, ये तो मैं बाद में, मेरे कहीं तो लिखना तो मैंने लिख दिया, ऐसा हो गया, लेक्चर का पार्ट नहीं था ये, कुछ और है इसको मैं बाद में लिखूंगा, लेक्चर इतना ही था। ठीक है, शायद मैं ऐसे ही नोट्स में डाल दिया। फिर नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज अगेन ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर आपके पास एक एल्डिहाइड है, ठीक है, तो एल्डिहाइड में या आप ऐसे सोचो कि मिथाइल सी डबल बॉन्ड ओ, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ टाइप का जो भी हमारे पास कंपाउंड होगा, ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडाइजिंग दैट अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन विच इज इन दिस केस CH3।
अल्फा कार्बन के ऑक्सीडेशन के लिए आप यूज करते हो सेलेनियम डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो आपको प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट में आपको मिलेगा CH3। अगर आप CH3CHO को रिएक्ट करवा रहे हो, अगर आप CH3CHO को रिएक्ट करवा रहे हो तो ये जो CH3 ग्रुप है, दिस इज योर अल्फा कार्बन एंड दैट अल्फा कार्बन इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज। तो ये C डबल बॉन्ड O का अल्फा कार्बन आप ऑक्सीडाइज करके यू विल गेट एन एल्डिहाइड। अगर आप कीटोन से स्टार्ट कर रहे हो तो आइदर ऑफ दिस कार्बन विल गेट ऑक्सीडाइज टू CH3 C डबल बॉन्ड O CHO। इस कार्बन को, इस अल्फा कार्बन को ऑक्सीडाइज किया तो दिस इज स्पेसिफिकली सेलेनियम डाइऑक्साइड एंड एसिटिक एसिड की रिएक्शन। बहुत ही यूनिक रिएजेंट है और कहीं भी आपको ये देखने नहीं मिलेगा, नॉट एटलीस्ट इन आर सिलेबस, ठीक है। एंड इवन यहाँ तक भी, मतलब ये है कि मेरे को इसका मैकेनिज्म पे भी डाउट है कि आई एम नॉट रियली श्योर दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स, ठीक है। आई विल टेल यू द रीजन, ठीक है। अभी लेट्स से आपके पास C डबल बॉन्ड O है एंड दिस इज माय अल्फा कार्बन जिसको मैं ऑक्सीडाइज करने वाला हूँ। C डबल बॉन्ड O विल गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स एल्कीन, ठीक है। एंड दैट एल्कीन विल शिफ्ट ऑन द कार्बन एंड अटैक ऑन सिलेनियम ऑक्साइड के एक ऑक्सीजन। नाउ ये जो चीज है SeO2 को आप पानी में डाल दोगे तो यू विल गेट H2SeO3, ठीक है। ये वो कंपाउंड है H2SeO3 जो है, H2SeO3 के ऑक्सीजन के ऊपर, अभी आपने कभी नहीं सुना कि ऑक्सीजन के ऊपर एल्कीन अटैक करता है, लेकिन दिस इज प्रोबेबली द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन कि इसके कार्बन इसका जो एल्कीन है वो इस ऑक्सीजन पे अटैक करता है, ठीक है। ऑक्सीजन पे अटैक करता है तो बॉन्ड सेलेनियम पे शिफ्ट हो जाता है, वही पैरेलली दूसरा ऑक्सीजन जो है आपके C डबल बॉन्ड मतलब आपका जो ये इनॉल के OH के पास से H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है तो यू एंड अप विद एक C मतलब O के ऊपर माइनस चार्ज। नाउ दैट O का माइनस चार्ज विल अटैक दिस कार्बन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड एनीवेज उधर शिफ्ट कर दिया था, ये इस कार्बन पर अटैक करके आपको C डबल बॉन्ड O दे देगा। अब ये जो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होके इधर फॉर्म हो गया था, ठीक है, दिस इज अ सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और वो सेलेनियम से अटैच्ड है, ठीक है। तो सेलेनियम क्या करेगा, अपना बॉन्ड तोड़ के यहाँ से चला जाएगा। नाउ दिस इज लाइक सुपर यूनिक कि आप ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज लेके आ रहे हो एंड वो सेलेनियम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके चला गया, तो फिर आपका जो कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ, तुम लोग खुश रहो, वो अपना लोन पेयर ठीक है। तो अगेन मैं बता दूं कि रिएक्शन के मैकेनिज्म में मत पढ़ो, ठीक है, क्योंकि मैं तो सबसे पहला पॉइंट कि मैं खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि रिएक्शन का मैकेनिज्म ऐसे ही काम करना चाहिए। दूसरी बात, मैंने जहाँ जहाँ पढ़ा है तो सब जगह वर्ड यूज हुआ है प्रोबेबली तो फिर मैं और मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया, ठीक है। बट अगर हमको इसको याद रखना है तो हम इसको हमेशा ये याद रखेंगे कि जो आपका अल्फा कार्बन है उस अल्फा कार्बन का ऑक्सीडेशन करवाना है, और एक ही बार करवाना है, सिंगल स्टेप करवाना है, ठीक है। अगर रिएक्शन कभी ऐसी पूछी जाती है कि दो बार करवाना है तो फिर दैट विल बी स्पेसिफाइड इन दैट रिएक्शन, बट I don't have any example for that, ठीक है। तो if I have an acetaldehyde, it will get converted into two aldehydes, मतलब CHO CHO। अब मुझे बताओ इसका नाम क्या है CHO CHO का, हम लोगों ने स्टार्टिंग में नाम याद किए थे, Lyoxal। आपने बोला कि वन स्टेप होगा, लेकिन अगर एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है वो टू स्टेप हो गया। नहीं नहीं, मैं वन स्टेप नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलना चाहता था एक बार होगा।
ठीक है, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ का अल्फा कार्बन, अपने पास एसीटोन के केस में तो दो अल्फा कार्बन है ना, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ किसी एक अल्फा कार्बन को ऑक्सीडाइज करने के बाद फिर दूसरे को भी मत कर देना, मतलब आई एम नॉट रियली श्योर दैट विल हैपन और नॉट, तो ये चीज अपन आगे देखेंगे सर। तो वो उनमें प्रेफरेंस, मतलब अगर कोई और आगे चेन जुड़ा हुआ है तो उसमें डिसाइड कैसे करना रहता है कि मतलब वो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, वैसा कुछ। इसके एग्जांपल देखने पड़ेंगे, मेरे पास ये रिएक्शन बहुत स्पेसिफिकली बहुत ही शॉर्ट में है एंड मैंने अलग अलग बुक्स में भी देखा तो मुझे कई और मिली नहीं रिएक्शन। एक बार ऑनलाइन करते हैं, गूगल करके पता करते हैं। बात किया है कुछ तो अपन ने यहाँ पे काम छोड़ दिया। SiO2 का मिला है मेरे को, मैं आपको शेयर करो। हाँ, कर कर व्हाट्सएप कर। ऑक्सीडेशन ऑफ SiO2 चलेगा। 1932 का पेपर है ये। रमेश सर कुछ डाउट भेजा था सुबह सुबह। हाँ, SiO2CH3COH कीटोन है, एक्टिव मिथिलीन है, एक्टिव मिथिलीन विल गेट ऑक्सीडाइज। दिस इज अ CCO2 इन एसिडिक एसिड, एसिडिक एनहाइड्राइड एट 100 टू सम डिग्री ऑक्सीडाइजेस एक्टिव मिथाइल एंड एक्टिव मिथिलीन टू एल्डिहाइड कीटोन रिस्पेक्टिव। ठीक है, तो हमारे पास दोनों प्रोडक्ट मिल सकते हैं, किसी एक, देखो किसी एक CH2 पे जोड़ दो, ठीक है, तो ये किसी एक पे ही होगा, दो पे तो नहीं होगा। सर एक्टिव मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, एक्टिव मतलब सी डबल बॉन्ड ओ के बाजू वाला, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ के बाजू वाला जो होता है उसको अपन एक्टिव मिथिलीन बोलते हैं। इसमें मतलब दोनों सेम या ना सिमेट्री वाइज लग रहे हैं, तो इसमें कुछ बोल नहीं सकते कि कौन से इस पर अटैक होगा। वही है, मेरे पास भी ये एग्जांपल है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर एलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन, ये काफी इंटरेस्टिंग है। SiO2 in aqueous or alcoholic solution, in first case of cycloalkene, the ring methylene group at alpha position to the double bond is oxidized to ketone. अपने काम करते हैं, ये सारे जो है पॉइंटर एक एक करके नोट कर लेते हैं।
ये पहला पॉइंटर तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, कि जो सी एच थ्री है वो सी एच टू में कन्वर्ट हो जाएगा, सी एच टू जो है सी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर आपके पास एलाइलिक या साइक्लिन अगर हमारे पास एलाइलिक कार्बन है, ठीक है, एलाइलिक कार्बन में आपका जो 2 डिग्री एलाइलिक पोजीशन है वहां पे अल्कोहल लग जाएगा। तो एक एग्जांपल ये है सर। हाँ, मिथाइलिन ग्रुप को ही हम लोग एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, ग्रुप जो मैं बताता हूँ, अगर मेरे पास इस टाइप का ग्रुप है, तो ये जो कार्बन है दिस इज एक्टिव मिथाइल ग्रुप, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करोगे इसमें माइनस चार्ज आएगा, तो इसके पास पूरा घूमने को जगह रहेगा, यहाँ का एसिडिक हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। और अगर मेरे पास ये ग्रुप है तो दिस इज एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, ये सुपर एक्टिव है, हाइड्रोजन खटाक से निकल जाएगा, ठीक है। एक्टिव मिथाइल या एक्टिव मिथिलीन ग्रुप जो है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। आई गेस दोनों को मिथिलीन ही बुलाते हैं। नहीं, हाँ, ये अगर हाँ ये बता, ठीक है, दिस इज एक्टिव मिथाइल और ये एक्टिव मिथिलीन, ठीक है। अगर सी डबल बॉन्ड हो यहाँ पे आर भी होगा तो भी एक्टिव मिथिलीन ही होगा, दिस इज लाइक सुपर एक्टिव, सी डबल बॉन्ड हो दो साइड तो मतलब ये तो बहुत खुशी से हो जाएगा। तो फिर एलाइलिक ग्रुप का एग्जांपल क्या? एलाइलिक मतलब क्या हुआ, तुम्हारा डबल बॉन्ड के बाद वाला ये जो कार्बन है दिस इज एलाइलिक कार्बन, ठीक है, मतलब ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में जा सकता है ना, अल्फा कार्बन, ठीक है, एल्कीन का अल्फा कार्बन, ठीक है। तो अगर आपके पास अभी 1 डिग्री एलाइलिक और 2 डिग्री एलाइलिक में कंपैरिजन करना है तो जो स्टेबल एलाइलिक होगा वहाँ पे OH लग जाएगा, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। तो सर ने जो एग्जांपल दिया उनका मतलब यही है कि ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पे तुम्हारा OH लग जाएगा 2 डिग्री एलाइलिक पोजिशन, ठीक है। तो दिस इज 1 एग्जाम्पल डन। और जो आखिरी वाला है वो वाला एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इसमें SiO2 इन एक्वस और एल्कोहलिक सॉल्यूशन साइक्लोअल्कीन अल्फा पोजीशन का मिथिलीन, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा पोजीशन का मिथिलीन, SiO2 इन एक्वस सॉल्यूशन या तो फिर अल्कोहल, इन इधर ऑफ द केसेस तुम्हारा वो जो अल्फा पोजीशन होगा वहाँ पे OH लग, नहीं वहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड O आ जाएगा, कीटोन लग जाएगा, ठीक है। दिस इज SiO2 वाला रिएक्शन। तो एक एग्जांपल ये लिखना है, एक एग्जांपल ये लिखना है, ये दोनों एग्जांपल लिख लो प्लीज। ये दो एग्जांपल कॉपी कर लो, फिर अपन आगे का करते हैं। चल आगे भी है उसका।
ये लिखने का वजह बताओ मुझे। हाँ पर एल्डिहाइड इसमें और कीटोन्स में नहीं था ये, फिर अल्कोहल में बताएगा सर ये तो? ऑक्सीडेशन करके सर ने स्पेसिफिक लिया था, उसमें सब बताए थे ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या 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 लिया था? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सर ने ऐसा एक लेक्चर लिया था उसमें सब बताए थे, रिडक्शन कौन से करते हैं, ऑक्सीडेशन कौन से करते हैं, उसमें से था। सही है, बहुत बढ़िया। अपन अपने यहाँ पर भी कीटोन में डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सर ने प्रॉपर एक कैटेगरी बनाई हुई है, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन सारे रिएक्शन तुम एक साथ एक जगह पे एक्सेस कर सकते हो, इसलिए उन्होंने वैसा बताया। हाँ सर। डन, सबका हो गया? यस। सही है, तो एक मिनट में इसको अपने नोट्स में ऐड कर लूं। ठीक है, आगे दूसरा जो है कीटोन बनेगा या अल्कोहल बनेगा? सर उसमें शायद वो सॉल्यूशन भी दिया था कुछ, तो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल नहीं, मतलब प्रोडक्ट में आपको कंफर्म कर, हाँ प्रोडक्ट में उन्होंने शायद पहले कुछ ऑक्सीडाइज टू कीटोनिक ग्रुप लिखा है ना। एक बार हाँ एक बार कंफर्म कर लेना, ये रिएक्शन अपन देख लेंगे फिर। हाँ सर। है ना, CO2 कैन बी यूज्ड फॉर डिहाइड्रोजनेशन। सर पहला वाला रिएक्शन हम लोगों ने एसिडिक मीडियम में कराया था, इसीलिए शायद हम लोग को कीटोन मिल रहा होगा। ये वाले इसमें सिर्फ SiO2 है। ऐसा हो सकता है भाई, बड़ो एज ए एग्जाम्पल लिखा हुआ ना उसी का, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो ये कंटिन्यूशन है ना ये? हाँ सर। ये फर्स्ट है, इसका एग्जाम्पल कहते नहीं हुआ। हाँ सर। तो शायद इसने कॉपी करने में गड़बड़ किया होगा या कुछ, एक बार कंफर्म कर लेना श्रीधर। Next is when cycloalkene is substituted on the double bond, the methylene group is hydroxylated. तो यहाँ पे देखो OH add होगा, तो OH ही add होगा शायद, वो दोनों position पे OH add हो सकता है, ऊपर या नीचे कहीं भी। ठीक है, जहाँ पे two attached है ना, वहाँ उसके बाजू वाले ग्रुप पे वो OH होगा, मतलब जहाँ ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है वहाँ पे अटैच होगा, जहाँ CH2 ग्रुप अटैच्ड है वहाँ पे होगा ये, मतलब ग्रुप जहाँ पे है उसके इधर होगा। एक बार फिर से बोलना, जहाँ पे कौन सा CH2 ग्रुप है या R ग्रुप अटैच है उसके साइड होगा ऐसा? R ग्रुप जहाँ पे अटैच्ड है ना, वाले CH2 पे वो वाला रिएक्शन होगा, मतलब अगर
पीछे होता तो नीचे आर के बाजू वाले ग्रुप पे होगा। एक काम करना श्रीधर, ये जो है ना ये दोनों पेजेस अपने इसमें शेयर कर दे ऑर्गेनिक वाले ग्रुप में। ठीक है सर। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिहाइड्रोजनेशन, जैसे अगर आपके पास बेंजाइल अल्कोहल है PHCH2OH है, एसी ओ टू के साथ हीट करोगे तो आपको PHCHO मिल जाएगा। ठीक है, एसी ओ टू कैन ऑल्सो एक्ट एज अ डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट, जैसा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दो कीटोन है, दो कीटोन के बीच में अगर हाइड्रोजन हटा के आप एल्कीन बना दोगे तो कीटोन कॉन्जुगेशन में आ सकते हैं, तो ऐसा काम एसी ओ टू शायद उसने वो प्लस एच टू की जगह प्लस एच टू लिखना चाहिए। प्लस एच टू की जगह पे कहाँ पे? सर डिहाइड्रोजनेशन में। PHCHO प्लस एच टू लिखा। अच्छा प्लस एच टू ओ लिखा है तो एच टू होना चाहिए तो आपने। ये PHCHO प्लस H2O लिखा हुआ है। H2O वाटर, वाटर वाटर निकल रहा है वो H2O ना, वाटर नहीं निकलेगा वाटर। एक्चुअली देखो SCO2 के साथ होगा ना वो SCO2 H2SCO3 नहीं, फिर वो है H2O। ऑक्सीजन तो यार हाइड्रोजन ही होगा यहाँ पे, दो H2 ही होना चाहिए श्रीधर, H2O नहीं होगा। सर मैं एक बार आपको ये पूरा पेज एक बार कर दो फिर से भेज देता हूँ सर, सर के डन 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 शॉर्ट। मैं थोड़ा खाई गया में लिखा था ना, कोई बात नहीं कर ले उच्च, फिर भी मैं ये सेव करके रख लूंगा नोट्स में ताकि अपने पास आगे रेफरेंस बना रहे। एक बार अपना पूरा रिवीजन हो जाएगा ना सब, मुझे याद दिलाना ये नोट्स का भी, मैं पूरा कॉपी तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ा है अभी अपना एल्डिहाइड कीटोन। नेक्स्ट इज विद क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म तो यार हैलोफॉर्म रिएक्शन सबको पता है। ठीक है, हैलोफॉर्म रिएक्शन का डिस्क्राइब करते करते हम लोग, तो जब भी आपके पास मिथाइल कीटोन मिथाइल एल्डिहाइड यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा बाजू में सी डबल बॉन्ड होके, इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अभी एक क्लोरीटोन पे आके रिएक्शन रुक गई है, लेकिन ये रिएक्शन और भी आगे बढ़ सकती है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये वो रिएक्शन है ही नहीं, सॉरी माय मिस्टेक एज यूजुअल, ये क्लोरोफॉर्म रिएक्शन मतलब हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं है, दिस इज बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इसमें हो क्या रहा है कि आपके पास या आपके पास जो है CHCl से ग्रुप है। ठीक है, दिस इज योर क्लोरोफॉर्म एंड इन प्रेजेंस ऑफ बेस क्लोरोफॉर्म कन्वर्ट हो जाता है CClI3, मतलब उसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो ये CCl3 ग्रुप है CCl3 माइनस के फॉर्म में बचा रहता है। नाउ CCl3 माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये सीधा अटैक कर देगा C डबल बॉन्ड O पे। अब C डबल बॉन्ड O पे अटैक कर दिया, अभी CHCl3 इसके बारे में और भी बाकी बता दो, इसने अटैक कर दिया C डबल बॉन्ड O पे बस, बाकी तो फिर कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड खुल गया और आपके पास ये कंपाउंड फॉर्म हो गया क्लोरीटोन। दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, कि आपने CHCl3 जो क्लोरोफॉर्म है उसको एक न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर दिया। अब CHCl3 KOH से किसी को वो रिएक्शन याद आ रही है क्या? बेंजीन था शायद, ऊपर कुछ OH लगाया, क्या लगाया मुझे नहीं याद। एंड CCl2 इसके ऊपर अटैक, यहाँ जो हाइड्रोजन है वो उस हाइड्रोजन पर अट्रैक्ट कर लेता है, आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है
अभी एल्डिहाइड प्रिपरेशन में शायद अपन ने ये पढ़ा था 10-40 एल्डिहाइड हो गया सर रिमाटेमल ना रिमाटेमल ठीक है रिमाटेमल रिएक्शन ठीक है रिमाटेमल में हमने यही चीज यूज किया था CHCl3KOH ठीक है लेकिन वहां पे हमने ये कार्बिन फॉर्मेशन के थ्रू आगे बढ़ा था क्योंकि यहाँ पे आपका Cl3- CCl3- सीधा सीधा न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है क्योंकि अगर यार कार्बिन फॉर्म भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ है नहीं रिएक्ट करेंगे ठीक है तो ये सीधा सीधा रिएक्ट कर जाएगा यू विल गेट क्लोरेटॉन सो दैट्स व्हाई आई सेड कि ये बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन है आगे बढ़ते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल अब ये है हेमी एसिटल एसिटल वाली कहानी हमने शायद अल्कोहल्स में पढ़ा भी था ईथर के वक्त थोड़ा बहुत पढ़ा था ठीक है एल्डिहाइड या कीटोन जो है एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर अल्कोहल अटैक करके आपको हेमी एसिटल और एसिटल यही दो प्रोडक्ट्स बना देते हैं अब इसमें आपका जो एसिटल जो होता है जो कि आपके एल्डिहाइड से फॉर्म होता है एसिटल इज अ वेरी स्टेबल कंपाउंड आप उसको सेपरेट आउट कर सकते हो आइसोलेट कर सकते हो कीटोन के केस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ठीक है तो पहले अपन एल्डिहाइड पे फोकस करते हैं फिर अपन कीटोन पे जाएंगे अल्कोहल है ठीक है जस्ट लाइक वाटर अल्कोहल का OH अटैक करेगा सी डबल बॉन्ड O पे यू विल हैव दिस काइंड ऑफ मतलब डबल बॉन्ड O खुल गया O पे माइनस चार्ज आ गया अब माइनस चार्ज है तो बाजू वाले से H प्लस एक्स्ट्रा कर लेगा एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड आप देख रहे हो एक ही कार्बन पे एक OH लगा हुआ है एक OR लगा हुआ है ठीक है एक अल्कोहल है एक ईथर टाइप का सो दिस काइंड ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड हेमी एसिटल अभी हेमी एसिटल फर्दर रिएक्ट करेगा विद वन मोर ROH एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटल दिस इज एसिटल तो हेमी एसिटल उसमें आपने कुछ नहीं किया उसमें से आपने OH को निकाल दिया अब ये OH जाएगा तो यहाँ पे कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा तो उसकी जगह तुम्हारा नया जो है R-OH वो R-OH आके उस कार्बन पर अटैक कर देगा आपका OH प्लस निकल जाएगा तो आपके पास एक कार्बन पे दो OR ग्रुप लग गया एक OH एक OR था तो हेमी एसिटल अगर आपके पास दोनों OR ग्रुप है ठीक है तो इट विल बी एसिटल इट्स आल्सो कॉल्ड जेम डाई ईथर प्रिटी ऑब्वियस जेम एक ही कार्बन पे दोनों है और डाई ईथर क्योंकि दोनों OR ग्रुप है ठीक है तो आपको ये एल्डिहाइड से एसिटल या हेमी एसिटल फॉर्मेशन समझ में आ रहा है दिस इज गोइंग टू बी लाइक इंटरमीडिएट फॉर मेनी रिएक्शंस जो आगे आती रहेंगे ठीक है इसका मैकेनिज्म बताया गया है पहले OH2 प्लस निकलता है अच्छा RDS जो है हेमी एसिटल से एसिटल फॉर्मेशन इज दी रेट डिटरमिनिंग स्टेप इसी में टाइम लगता है तो वाटर मॉलिक्यूल उसमें से निकलता है वाटर मॉलिक्यूल के निकल के जाना और पीछे कार्बोकैटायन फॉर्म करना दिस इज द स्लो स्टेप उसके बाद R-OH का अटैक तो बड़ा आसानी से हो जाता है एंड यू एंड अप विद द एसिटल एज अ प्रोडक्ट ठीक है तो एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के ऊपर अल्कोहल अटैक करके एसिटल हेमी एसिटल ये फॉर्म कर सकते हैं एल्डिहाइड में हेमी एसिटल एसिटल फॉर्म करना काफी आसान है कीटोन के केस में वो उतना आसान नहीं है बिकसेड कि जो R ग्रुप है R ग्रुप के चलते यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट आएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो अटैक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो उस केस में हमारे पास कीटोन के लिए जो रिएक्शन है वो नॉर्मल अल्कोहल से नहीं कैरी आउट की जा सकती इट इज नॉट फिजिबल विद सिंपल अल्कोहल बट इट इज फेवर्ड इफ 1.2 और 1.3 डायोल्स आर रिएक्टिंग
एंड इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लिक कंपाउंड. तो साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इसलिए ये इसकी फिजिबिलिटी ज्यादा है. तो क्या होगा, आपके पास आर सी डबल बॉन्ड है, आपके पास एक डायोल है. नाउ दिस इज 1,2 डायोल. तो 1,2 डायोल के केस में आप इमेजिन करो, इस OH ने अटैक किया, ये बॉन्ड खुल गया, फिर इस OH ने अटैक किया, ये वाटर मॉलिक्यूल अपना अटक गया. तो जैसे हमने डाइथायोल फॉर्म किया था, सॉरी डाइथायोल से एसिटाइल डाइथायोल जो फॉर्म किया था, दिस इज इन द सेम वे दिस इज अ साइक्लिक फॉर्म ऑफ अ कीटन. इस रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है. जब भी आपको सी डबल बॉन्ड ओ को रिडक्शन से बचाना है, कि कोई आप जैसे आगे एग्जांपल में आएगा कि आपको सी डबल बॉन्ड ओ अगर आप उसमें LiLH4 डाल दोगे तो LiLH4 सी डबल बॉन्ड ओ को रिड्यूस करेगा 2 डिग्री अल्कोहल में. तो आपको इस टाइप की रिएक्शन को अगर प्रिवेंट करना है तो आप क्या करोगे, आप उस आप उधर कीटल फॉर्मेशन करवा लोगे. तो आप एक डायोल की यूज मदद से आप देख रहे हैं, डायोल में सिर्फ मैंने एसिडिक हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम रखा है, एंड वो भी रखने के लिए हमने ड्राई HCl यूज किया है ताकि वाटर वहां पे ना हो, डिहाइड्रेशन हो जाए. तो ड्राई HCl के प्रेजेंस में आपका सी डबल बॉन्ड ओ कन्वर्ट हो गया एक साइक्लिक कीटल के फॉर्म में. नाउ दिस साइक्लिक कीटल इज अनअफेक्टेड बाय LiLH4 काइंड ऑफ रिएजेंट्स. तो LiLH4 उसको कुछ नहीं कर पाएगा. नाउ लेट्स से वी हैव एन एग्जांपल इन दो ही ना, आपके पास एक साइक्लिक पेंटेनोन है जिसमें एक एसिटेट ग्रुप भी लगा हुआ, सॉरी दिस इज लाइक एस्टर ग्रुप. ठीक है, अब ये जो एस्टर लगा हुआ है, ये एस्टर ग्रुप को मुझे रिड्यूस करना है, लेकिन मुझे इस सी डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होने देना. तो एस्टर वांट रिएक्ट विद अ डायोल, तो मैं कीटोन को डायोल के साथ रिएक्ट करके एक साइक्लिक कीटल फॉर्म कर दूंगा, एंड उसके बाद वी विल कैरी आउट द रिडक्शन रिएक्शन एज इट इज, जैसे नॉर्मली करते हैं. एस्टर है, एस्टर रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा. वंस यू हैव द अल्कोहल, अब यहां पे आप H+ डालो. अब ये H+ जो आप डालोगे यहां पे एक्वस फॉर्म में, या सॉरी एसिडिक सॉल्यूशन आप उसमें डाल दोगे, एंड एसिडिक सॉल्यूशन डालते ही आपका जो बॉन्ड है, विच इज अ वेरी सिंपली अ क्या बोलते हैं, ईथर का बॉन्ड है, ROR लिंकेज टूट जाएगा आपके एक कार्बन पे दो एच आएगा, इट विल फॉर्म कीटोन. तो आपके सी डबल बॉन्ड हो यहाँ पे सेव हो गया, रिडक्शन से उसका बच गया. ठीक है, तो साइक्लिक कीटल के लिए ये चीज ध्यान रखना है. अगेन कीटल फॉर्म करना नॉर्मल एल्कोहल से डिफिकल्ट है, साइक्लिक होगा तो ही फॉर्म होगा. ठीक है, दिस इज लाइक थर्मोडाइनमिक्स पे बेस्ड है ये चीज, कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाने के लिए ये चीज जरूरी है. ठीक है, कंपाउंड स्टेबल हो तो ये आगे बढ़ पाएगी रिएक्शन. ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट एडिशन ऑफ अल्कोहल्स ऑन एल्डिहाइड एंड कीटोन. आगे बढ़े, अभी अपने पास कंडेंसेशन रिएक्शन. मैं यहाँ एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो. ठीक है, 5 मिनट बाद हम लोग ये कंटिन्यू करते हैं.
माइक चेक, आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। ओके, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। काफी बाकी अभी हमारा कंडेंसेशन बाकी, सारे कंडेंसेशन बाकी है, तो शुरू करते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शंस की खासियत यह है कि दो मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाते हैं, बीच में से आप एक कंपाउंड हटा देते हो, वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेते हो, तो जो कंपाउंड बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, दैट्स अ कंडेंसर कंडेंस्ड प्रोडक्ट। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अगर सिंपल तरीके से समझना चाहे तो आपके लिए सबसे जरूरी है अल्फा हाइड्रोजन होना। अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो आप एल्डोल कंडेंसेशन कैरी आउट करवा सकते हो। तो जैसे कि अगर हम एसिटाल्डिहाइड की बात करते हैं, ठीक है, इस एल्डिहाइड में आपके पास अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो इन प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट बेस क्या होगा, ये आपका जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपके पास फॉर्म हुआ, दैट ग्रुप इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द आरडीएस। न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे करेगा? एल्डिहाइड के सी डबल बॉन्ड ओ पे। तो दैट्स अ नॉर्मल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हुआ, उसने अटैक किया सी डबल बॉन्ड ओ पे, एंड सी डबल बॉन्ड ओ का ओ खुल गया, तो यू एंड अप विद दिस कलर, ठीक है। दिस ऑन एडिशन ऑफ एच प्लस gives you the product which is called the aldol product. This reaction, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो reaction है, इसको हम बोलेंगे aldol reaction। और aldol में आपके पास क्या होगा, दो product मिलके एक ठीक है, ये है अगर मेरे पास, तो मैं aldol जब aldol का process होगा, aldol के process के बाद I will end up with CH3C। अब ये जो डबल बॉन्ड ओ है, नीचे एक हाइड्रोजन है, उसका डबल बॉन्ड ओ खुल गया, तो ये OH बन गया और आपके यहाँ पे जुड़ गया CH2CH, ठीक है। दिस इज एल्डोल प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टेप इज द कंडेंसेशन स्टेप, जहाँ पे आप वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव करवा रहे हो। तो कंडेंसेशन में क्या होगा, आपका CH3, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये वाटर OH निकल जाएगा, तो आपको मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। दिस इज एल्डोल का कंडेंसेशन प्रोडक्ट। शॉर्ट में अगर तुम्हें याद रखना है कि इसको हम कैसे याद रखें, तो बड़ा आसान है, आप इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे H2 चाहिए, एक हाइड्रोजन नीचे रख लो। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है, जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी द एल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है। ये सबको दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन कैसे हुआ? बहुत ही आसान रिएक्शन, मतलब आपको बस क्लिक करना जरूरी है कि होना क्या है। आगे बढ़ोगे आप? यस सर। अब एल्डोल कंडेंसेशन में आपने एक ही एल्डिहाइड लिया, तो वही एल्डिहाइड आपस में एल्डोल करेगा। अब हमने पहले एसिटाल्डिहाइड का केस लिया था, नेक्स्ट केस इज प्रोपेनाल्डिहाइड। प्रोपेनाल्डिहाइड में एल्डोल वाला जो प्रोसेस होगा वो हमेशा अल्फा कार्बन पे ही होगा। तब इस केस में जब हम लिख रहे हैं, तो हमको लिखते वक्त ये चीज ध्यान रखना है कि इसका शॉर्ट फॉर्म अगर क्वेश्चन देखती है, अगर आपको सीधा आंसर पे पहुंचना, तो आप इसको ऐसे लिखोगे CH3CH2CHO, ठीक है। अब अगला जो CH2 जिसके साथ ये C डबल बॉन्ड O इंटरैक्ट करने वाला है, दैट हैज टू बी अल्फा पोजीशन का CH2। तो आप ये और ये इनके बीच में से वाटर मॉलिक्यूल हटा दोगे, यू विल एंड अप विद CH3CH2CH डबल बॉन्ड C। अब इसमें नीचे एक CH3 है और ऊपर एक CH2। दिस विल बी योर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। एल्डोल जो है, एल्डोल में इंपॉर्टेंट क्या था? सी डबल बॉन्ड ओ के बाजू में अल्फा
हाइड्रोजन होने चाहिए, तो सेम रिएक्शन आप कीटोन के लिए भी कैरी आउट करा सकते हो। क्या होगी इसको, सेम रिएक्शन आप कीटोन के लिए भी कैरी आउट करवा सकते हो। अगर आपके पास कीटोन है, कीटोन में आप डाइल्यूट OH डालोगे, अल्फा पोजीशन का जो कार्बन है अपना हाइड्रोजन बूस्ट कर देगा, दूसरे वाले सी डबल बॉन्ड O के साथ मिलके वाटर मॉलिक्यूल हटा देगा एंड यू विल गेट एल्डोल प्रोडक्ट। एल्डोल प्रोडक्ट बनाने की आदत अगर डालनी है, अरे यार एल्डोल प्रोडक्ट अगर बनाने की आदत डालनी है तो तुम्हें ये जरूर हर बार करते रहना होगा कि ये जो है CH2 मतलब सी डबल बॉन्ड O कहाँ से आ रहा है, तो आप ये देख सकते हो, ये इस वाला ये ग्रुप का ये सी डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है, ये कार्बन, ठीक है, और ये दूसरे इसका ये जो है वो इस CH3 वाला ग्रुप है, ठीक है, तो एक का सी डबल बॉन्ड O और दूसरे का अल्फा कार्बन का, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन, उनको आपने हटा दिया, यू गॉट दिस एल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है। अब एल्डोल प्रोडक्ट में अगर आपको बहुत और ज़्यादा कंट्रोल करना है, क्योंकि अभी क्या होगा, ये तो चलो बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शन है, अगर तुम्हारे पास समथिंग लाइक दिस, अब ये आते ही तुम्हारे पास क्योस बढ़ गया, क्यों क्योस बढ़ गया, अब आपके पास दो अल्फा पोजिशन है, तो एक बार इस अल्फा पोजीशन के साथ सी डबल बॉन्ड O रिएक्ट करेगा, एक बार इस अल्फा पोजीशन के साथ सी डबल बॉन्ड O रिएक्ट करेगा, तो आपको दो अलग प्रोडक्ट मिले, ठीक है। तो ऐसे आप एल्डोल को और कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हो, ठीक है, तो अपन आगे देखते हैं एल्डोल को और कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है। अब लेकिन अगर आपने एक साइड पे आपको एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करवाना है, तो आप उस टाइप पे ऐसा कोई कंपाउंड या ऐसा कोई ग्रुप लगा दो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही ना हो, तो आपको टेंशन ही नहीं होगा उसके एल्डोल से, ठीक है। एल्डोल की मैकेनिज्म बताई गई है, एसिडिक और बेसिक, एसिडिक बेसिक भी बताया क्या, एसिड मतलब बेसिक तो अपनी है ही नॉर्मल, सॉरी एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म भी बताई गई है एल्डोल में, कि अगर यही स्टेप आप एसिड से यूज करके करना चाहो, तो बेस में क्या था, बेस ने आके अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और फिर दैट बिकम बिकेम अ न्यूक्लियोफाइल एंड इट अटैच द सी डबल बॉन्ड O। इन दिस केस आप H प्लस डाल के क्या कर रहे हो, सी डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर रहे हो OH में, तो यू गेट अ कार्बोकटायन। दिस कार्बोकटायन इज अटैक्ड बाय दूसरा मॉलिक्यूल तो फर्स्ट स्टेप में दिस थिंग बिकेम अ कार्बोकटायन एंड जो दूसरा जो कीटोन था, सॉरी इनॉल फॉर्म जो होगा, अब इसका अगर आप इनॉल फॉर्म बनाते हो तो यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH OH, ठीक है। ना दूसरे केस में ये इनॉल फॉर्म अटैक कर रहा है, एसिडिक एसिड कैटलाइज रिएक्शन में क्या हो रहा है आप देख सकते हो, एल्डिहाइड के ऊपर इनॉल फॉर्म अटैक कर रहा है, कुल मिला के H प्लस था तो H प्लस ने यहाँ से पकड़ के रखा और फिर इसके बाद आपका बस वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एक्सचेंज होते रहा, प्रोटॉन एक्सचेंज बोलते हैं हम लोग, एंड यू एंड अप विद दिस एल्डोल प्रोडक्ट। अब ये एल्डोल प्रोडक्ट जो बनेगा, इसमें एच प्लस डाल के सीधा आप एसिडिक हाइड्रोजन है तो आपको OH तो कभी ऐसा खाली टिकेगा नहीं, तो H प्लस उसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पे कार्बोकटायन फॉर्म कर देगा। नाउ दिस इज एक्टिव मिथाइल ग्रुप, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, उसका हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा एंड यू एंड अप विथ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो एसिडिक मीडियम में यू डोंट गेट एल्डोल इन बिटवीन, क्योंकि एल्डोल बनते ही वो H प्लस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो इन एसिड कैटलाइज रिएक्शन कंडेंसेशन प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड बट थ्रू एल्डोल मैकेनिज्म। तो आप ये एल्डोल सेपरेट आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये H प्लस से रिएक्ट कर जाता है, जो कि बेस कैटलाइज मैकेनिज्म में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, रिएक्शन वाइज अलग कुछ नहीं होगा, शॉर्टकट जो है आपको पता है, सी डबल बॉन्ड O और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, उनको वाटर मॉलिक्यूल बना के उड़ा दो, ठीक है। अब इसमें क्रॉस्ड एल्डोल भी पॉसिबल है,
नाउ जस्ट टेक अ लुक एट क्रॉस शोल्डर, ठीक है, मैं एक मिनट में आया। चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। अब आपने क्रॉस ट्रेडऑल देखा क्या, कितना इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स बन रहा है। आपके पास दो ऐसे कंपाउंड्स है जिसमें से डबल बॉन्ड ओ के बाजू में अल्फा कार्बन है। क्रॉस ट्रेडऑल में किसी को डाउट आ रहा है क्या सर? अगर एग्जाम में होता तो टोटल 6 प्रोडक्ट बनते हैं ना, खुद के साथ वाला प्रोडक्ट नहीं बनाया क्या? खुद नहीं, ए ए देख, ए वाला प्रोडक्ट तो खुद के साथ वाला ही है। ए और बी जो है, ए में देख क्या लिखा है, वन एंड वन, वन एंड वन आर रिएक्टिंग तो ए मिल रहा है, टू एंड टू आर रिएक्टिंग तो बी मिल रहा है। तो ये पहला प्रोडक्ट ए का एल्डोल है, दूसरा प्रोडक्ट बी का एल्डोल है, ठीक है। सी जो है जिसमें सी में दिस ग्रुप इसका जो है अल्फा कार्बन, नहीं नहीं इसका अल्फा कार्बन अटैक कर रहा है, वन अटैक कर रहा है टू पे, ठीक है, वन अटैक कर रहा है टू पे। तुम ये देखो ये सी एच टू सी एच ओ है, सी एच थ्री सी एच ओ का था ये पार्ट, सी एच थ्री सी एच ओ के सी एच टू ने अटैक किया प्रोपेनाल्डिहाइड के एल्डिहाइड वाले सी डबल बॉन्ड ओ पे। तो वन ने अगर टू पे अटैक किया तो यू आर गेटिंग द थर्ड प्रोडक्ट एल्डोल, एंड अगर टू ने वन पे अटैक किया तो दिस इज द फोर्थ प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल। गॉट इट सर। शुभम सही है सर।
और किसी को कहीं पे डाउट है यार, जितने लोग बचे यार हाथ उठा लो, जिसको भी बात करना है, पूछना है कुछ भी, कहीं पे भी कोई भी अटक रहा है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट, बोलो श्रीधर कुछ पूछना चाहते हो? नहीं सर। नहीं, चलो ठीक है। सही है। कूल, ठीक है। तो यार यही है, अब क्रॉस एंड डॉग में आपने दो को ले लिया, तो दोनों ने क्रॉस में रिएक्ट कर लिया। अब एक इंटरेस्टिंग जो है वो है इंट्रामोलिकुलर अल्डोल। अब इंट्रामोलिकुलर अल्डोल अगर हो रहा है तो आप सीधा सीधा फॉर्म करो, प्रोडक्ट फॉर्म करो, सारे प्रोडक्ट फॉर्म करो। अब जब हम मेजर प्रोडक्ट जज करने की कोशिश करेंगे तो आप नंबर ऑफ कार्बन इन द साइक्लिक रिंग आप उसके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो मेजर प्रोडक्ट। तो इन दिस केस 5 मेंबर साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन वुड बी अ गुड थिंग। तो आपको देख रहे हो आप मेजर प्रोडक्ट जो बन रहा है इंट्रा मॉलिकुलर में, वो 5 मेंबर साइक्लिक रिंग इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन इसमें इंटरेस्टिंग तब होता है जब अटैक होने वाला, जब आपके इंट्रा मॉलिकुलर अल्डोल में एक साइड कीटोन है और एक साइड एल्डिहाइड। तो जब भी एक साइड कीटोन और एक साइड एल्डिहाइड है तो कोशिश करो जो जिस C डबल बॉन्ड O पे अटैक करवाना है दैट हैज टू बी एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड के C डबल बॉन्ड O पे कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है, अटैक आसानी से हो जाएगा। सो इन केस ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड इन द सेम कंपाउंड, कीटोन विल अटैक द एल्डिहाइड। ठीक है, कीटोन एल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबको दिख रहा है 1, 2, 3 नंबरिंग दिख रही है, 1 या 3 ये दोनों पॉसिबल है। अब 1 से अटैक होगा तो यू आर गेटिंग अ 7 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर, और 3 से अटैक होगा तो यू आर गेटिंग अ 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो अगेन यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 5 मेंबर और 6 मेंबर का फॉर्मेशन जो है दैट इज लाइक कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है, तो जो 5 मेंबर या 6 मेंबर अगर फॉर्म हो रहा है तो दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेजर 7th पे अटैक से मिल रहा है, इज इट क्लियर सर? हाँ बोलो सर। 8 मेंबर रिंग होना चाहिए ना? 8 होना चाहिए। देख, 1 ने अगर अटैक किया 7th पे 7 मेंबर ही होगा ना दोस्त? हाँ सॉरी ना सर, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, तो दैट वाज, अभी ये आगे कंडेंसेशन वाली कहानी चलते रहेगी, अपन और बात करेंगे। ठीक है, बट इसके क्वेश्चंस प्लीज प्रैक्टिस करना, ये एकदम से इंट्यूशन बनता नहीं है, थोड़ा क्वेश्चंस करते रहोगे फिर दिमाग जल्दी चलेगा। नेक्स्ट इज कैनिजार। अब एल्डोल जो था, एल्डोल करने के लिए आपका अल्फा पोजिशन पे हाइड्रोजन होना जरूरी था। ठीक है, अगर आपके अल्फा पोजिशन पे हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, और आपके पास एक कॉन्सेंट्रेटेड बेस दिया हुआ है, कैनिजारो जो है, कैनिजारो का गिव अवे जो है दैट इज रिएजेंट, अगर ऐसा दिया हो 50% NaOH 30% NaOH, इस टाइप का जब रिएजेंट दिया हो तो समझ जाना कहीं ना कहीं कैनिजारो एक्सपेक्ट। अब कैनिज प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन अपन क्या बोलते हैं कि सेम प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज भी होता, सेम रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज भी होता है एंड सेम रिएक्टेंट रिड्यूस भी होता है। तो जैसे अपन ने आयोडीन प्लस NaOH अपन जब करते हैं तो आयोडीन प्लस NaOH यू गेट NaI एंड NaOI, तो NaI में I इज इन -1, NaOI में I इज इन +1, तो आयोडीन जो है I2 में I इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक आयोडीन -1 में जा रहा है, एक आयोडीन +1 में जा रहा है, तो सेम आयोडीन ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो वी कॉल इट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इन दिस केस एल्डिहाइड में एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, कार्बोक्सिलिक बनाएगा, एक एल्डिहाइड रिड्यूस होगा, अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो कैनिजारो इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या होगा, एक आपका इसका मैकेनिज्म, अरे हां
मैकेनिज्म में अगर आपके पास इस टाइप का कंपाउंड है जिसमें अल्फा पे हाइड्रोजन मिसिंग है, तो उस केस में आपका जो OH- है, OH- डायरेक्टली अटैक करेगा इसके ऊपर, C डबल बॉन्ड O खुल के O- बन जाएगा। C डबल बॉन्ड O खुलना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, नो वन इज रियली हैप्पी ओवर हियर। तो हाइड्रोजन डिसाइड्स टू जस्ट मूव अवे, हाइड्रोजन यहाँ से इसको छोड़ के जाने का प्लान करता है। तो दिस हाइड्रोजन लिविंग आउट दिस कंपाउंड विल ऑक्सीडाइज दिस कंपाउंड, है ना। अब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो जाएगा किसके पास, तो दूसरे के पास जाएगा, इट्स अ हाइड्राइड, एच माइनस जा रहा है, एच माइनस जाएगा दूसरे सी डबल बॉन्ड ओ पे अटैक करेगा, सी डबल बॉन्ड ओ को ओपन करके एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो एक जगह से हाइड्राइड निकल रहा है तो दैट गाय इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, एक जगह हाइड्राइड अटैक कर रहा है तो दैट वन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। तो एक आपका बेंजल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज होगा, बेंजोइक एसिड फॉर्म करेगा, एक रिड्यूस होके बेंजाइल अल्कोहल में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो दिस स्टेप मतलब H- का जो शिफ्ट है, दैट दिस स्टेप इज द RDS फॉर दिस रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। एंड एक बार आपके पास ये फॉर्म हो फाउंड इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये H+ इजीली छोड़ देगा। एंड अब ये जो है ये एक अल्कोहल का कंजुगेट बेस है, विच इज लाइक रियली स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज अल्कोहल इज नॉट एन एसिड। तो ये अपना O- खटाक से इसके पास से H+ ले लेगा, तो यू एंड अप विद अ कार्बोक्सिलिक एनायन एंड एन अल्कोहल, ठीक है। दिस इज कैनिजारो। थोड़ा अपने आप में ऐसा कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं लगता, क्योंकि क्या हम लोग ने पहले H- को निकाला क्योंकि हम लोग को C डबल बॉन्ड O नहीं खोलना था, और वो H- ने दूसरा C डबल बॉन्ड O खोला। H- इसलिए निकला क्योंकि वहां पे दूसरा ग्रुप जो निकल सकता था वो OH था, ठीक है। अब OH अगर वहां से निकल गया था तो बहुत ही बुरा हो जाता कि OH ऐसे निकल रहा है उसमें से OH- के फॉर्म में, तो आपके पास C उसके ऊपर कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट हाइड्राइड अटैक है, इसलिए देखो ना दिस इज काउंटर इंट्यूटिव, बट दिस इज लाइक अगर वो H- नहीं निकलता, OH- ही वापस निकल जाता तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती, वापस बेंजल्डिहाइड बन जाता, वापस हो जाता। तो फिर वी आर जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग टू प्रोसीड, बट द मोमेंट H- निकल गया फिर इट्स नॉट रिवर्सिबल एनी। देख रहे हाइड्राइड का अटैक जो RDS है, इट्स अ सिंगल साइड रिएक्शन, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया उसके बाद हो गया, आप रोक नहीं सकते आप किसी चीज को या उसको वापस नहीं ला सकते, ठीक है। yes, वो इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट करवाने वाला गेम है, ठीक है सर। तो ये जो बीच में हाइड्राइड शिफ्ट है वो ऐसा पूरा निकल के पूरा अटैक कर रहा है या वो इंटरमीडिएट सॉर्ट ऑफ है? देख पूरा तो हाइड्राइड निकलता ही नहीं है, इट्स मोर लाइक कि अगर ये जब होगा, दिस इज अगेन इसको तुम ट्रांजिशन स्टेट टाइप का ही रिएक्शन समझ लो, ट्रांजिशन हाँ काइंड ऑफ, मतलब हाइड्राइड एक साइड से निकल रहा है और दूसरे पे अटैक कर रहा है, ये दोनों बहुत साइमल्टेनियस प्रोसेस रहेगी, ठीक है। तो ऐसा उसको ट्रांजिशन स्टेट टाइप ही पकड़ के चलते हैं कि दिस इज व्हाट शुड हैपन बिकॉज़ देयर इज नथिंग एल्स दैट कैन हैपन। अब वही अगर अल्फा पे हाइड्रोजन होता और कंसंट्रेटेड OH- डाल देते तो फिर एल्डोल हो जाता, फिर रिएक्शन तुम्हारे कहने से रुक नहीं होती, ठीक है। ठीक है चलो। One note थोड़ा परेशान कर रहा है, ठीक है। अगर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है तो फिर आपके पास फॉर्मिक एसिड का एनायन बनेगा और मिथेनॉल बनेगा, अगर आपके पास बेंजल्डिहाइड है तो बेंजोइक एसिड बनेगा और बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, अगर आपके पास बेंजल्डिहाइड में नीचे NO2 लिखा है तो देख रहे हो जो रिएक्शन इनिशियली 50% NaOH पे हो रही थी वो 30% इसका मतलब रिएक्शन ज्यादा आसानी से हो रही है। सो इलेक्ट्रॉन रेट ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, सी डबल बॉन्ड ओ जो है, सी एच ओ का जो सी डबल बॉन्ड ओ है उसको अटैक के लिए ज्यादा वल्नरेबल कर देगा, तो सी डबल बॉन्ड ओ के कार्बन पे ज्यादा
पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रहेगी और उसके चलते उस पे अटैक आसान हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट कैन बी कैरीड आउट विद लेस कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी, दैट्स इट. अब जैसा कैनिजारो, जैसा आप लोगों ने एल्डोल में क्रॉस्ड एल्डोल देखा, यहाँ पे क्रॉस्ड कैनिजारो भी देखा जा सकता है. तो अगर आप बेंजल डिहाइड और फॉर्मल डिहाइड को साथ में रिएक्ट करवा रहे हो तो बेंजल डिहाइड जो है दैट विल गेट रिड्यूस्ड एंड फॉर्मल डिहाइड जो है दैट विल गेट ऑक्सीडाइज. अगर ये शॉर्टकट याद रखना है तो जो छोटा वाला ऑक्सीडाइज होगा, बड़ा वाला रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो फॉर्मल डिहाइड जब होगा तो हमेशा फॉर्मल डिहाइड ही ऑक्सीडाइज होगा एंड विल फॉर्म फॉर्मिक एसिड का एनहाइड. तो कैनिजारो रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर अल्फा हाइड्रोजन है कैनिजारो नहीं होगा, रिएक्शन एल्डोल हो जाएगा. ठीक है, तो प्लीज उसको ध्यान रखो. अब कुछ एक्सेप्शंस है इसमें. एक्सेप्शंस में अगर आपके पास इस टाइप का एल्डिहाइड है व्हिच इज स्टेरिकली हिंडर्ड अल्फा कार्बन वाला एल्डिहाइड जो है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट रिमूव. तो जो आप एल्डोल एक्सपेक्ट कर रहे थे, एल्डोल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस था, तो इट एंडेड अप थ्रू कैनिजारो. ठीक है, एंड अगर आपके अल्फा पोजीशन पे दूसरा जो है, दूसरे केस को तो एक्सेप्शन की तरह बोलना भी नहीं चाहिए. दूसरा नॉर्मली रिएक्शन है, फॉर्मल डिहाइड के साथ आपने एक बड़ा एल्डिहाइड डाला है तो ऑब्वियसली फॉर्मल डिहाइड इज द वन जो ऑक्सीडाइज होगा एंड अदर वन इज द वन जो रिड्यूस होगा. ठीक है, तो दिस इज द सेम रिएक्शन. नेक्स्ट इज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल. ग्लायोक्सिल दिया हुआ है आपके प्लस, ग्लायोक्सिल में एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा, बड़े प्यार से इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो जाएगा. एंड अगर आपके पास ग्लायोक्सिल टाइप के कंपाउंड में एक साइड में पीएच लगा हुआ है, एक साइड का कीटोन है, तो दिस इज लाइक अल्फा कीटो एल्डिहाइड. तो अब अगर कीटोन लगा हुआ है तो जो कीटोन वाला साइड होगा दैट विल be the one which will get reduced and आपका जो end पे होगा, terminal जो होगा, उसी के पास possibility oxidize होने की, तो that's the one which will get oxidized. So that's all about Cannizzaro. आगे बढ़ते हैं क्लेजन की तरफ. यार मेरे को लग रहा है doubts वाला scene आज भी difficult है. हाँ सर, बहुत ज़्यादा reactions बाकी है. बहुत reaction है. वैसे कल है ना अपना डाउट. अच्छा हाँ यार, डाउट क्लास को लेके अब कितने लोग बचे इससे पहले और कोई भाग जाए. कल का मेरे को टाइमिंग बताओ. कल अपन आफ्टरनून में तुम्हारा कोई क्लास है क्या? सर आतिफ सर बोले वो छोटा सा सेशन लेने वाले हैं. वो छोटा कितना छोटा होगा वो मालूम नहीं. ठीक है, टाइमिंग कुछ बताया सर ने? 11 का ही होगा मोस्टली. 11 का होगा तो मैं मोस्टली ट्राई कर रहा हूँ कि अगर मैं 3 o'clock या 4 o'clock के आसपास लूँ. चलेगा. कुछ और किसी का क्लास तो नहीं है? नहीं. थाने वालों का क्लास कुछ अलग होता है श्रीधर? हाँ सर. नहीं थाने, तुम थाने से हो ना श्रीधर? हाँ सर. तुम लोगों कुछ अलग क्लास तो नहीं है ना ऐसा कल इवनिंग में? कल अभी कुछ बोल नहीं सकते, पर सुबह क्लासेस रहते. चलो कोशिश करता हूँ मैं शाम को 4 या 6 बजे के आसपास कुछ तो ऐसा टाइमिंग रखना. हाँ सर, क्लास अपना अरेंज करेंगे. ठीक है, कल का जो डाउट डिस्कशन होगा तो अब जो जो चीज़ें मिस आउट हो गई है, जो जो रह गया है या फिर बाकी का अपन कल डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्लेजन कंडेंसेशन. सो क्लेजन कंडेंसेशन जो है, क्लेजन कंडेंसेशन स्पेसिफिकली फॉर एस्टर. ठीक है, क्लेजन कंडेंसेशन एस्टर में आपके पास एक जैसे आपके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन,
अल्फा हाइड्रोजन जो है रिमूव करने वाला कोई एजेंट है, जैसे कि C2H5O- ETO- है, ETO- इस टाइप की रिएक्शन कैरी आउट करवा सकता है। नॉक्लिजियम कंडेंसेशन में एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो लीविंग ग्रुप है एस्टर में, जो अल्कोहल वाला जो ग्रुप होता है, अल्कोहल वाला जो पार्ट होता है, दैट्स अ गुड लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो C2H5O- जो है सबसे पहले C डबल बॉन्ड O के अल्फा कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट करवाएगा, ठीक है। दिस इज द अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे C2H5O- न्यूक्लियोफाइल जनरेट करवा दिया। नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक अवर एस्टर, वेस्टर पे अटैक होगा तो किस पे होगा, C डबल बॉन्ड O पे अटैक होगा, एंड दिस ग्रुप विल लीव। तो कुल मिला के एस्टर का जो अल्कोहल वाला पार्ट है that is being replaced by this ester wala nucleophile, theek hai। So you end up with this product, this is iska kuch aisa naam agar main batana chahu to, since this is an ester, ester ke alpha beta carbon, so we can call it beta keto ester। So this will result in formation of a beta keto ester। Again, it's very important, ester होना चाहिए, alpha position पे आपके पास hydrogen होना चाहिए। Now what is the beauty of beta keto ester? यार beta keto ester के बीच में जो दो C double bond O group के बीच में आप एक CH2 group देख रहे हो, that is an active methylene group। अब ये active methylene group हमारे लिए आगे एक अच्छा रिएजेंट बन जाएगा। आप उस एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके आप उस एक्टिव मिथिलीन ग्रुप को एक न्यूक्लियोफाइल बना सकते हो, एंड न्यूक्लियोफाइल बना के आप वहां पे कुछ एडिशन करना चाहो तो एडिशन कर सकते हो, बाद में आप एस्टर को जब मन चाहे तोड़ भी सकते हो, ठीक है। दिस इज क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। शॉर्टकट, अगेन मैं यही बताऊंगा, शॉर्टकट इसके केस में आपको यही ध्यान रखना है कि अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करके उसको न्यूक्लियोफाइल बना के जो अल्कोहल वाला ग्रुप है उसको आपको रिमूव करना है। क्लीजन कंडेंसेशन में दिस रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ बेस, नहीं अच्छा, इन प्रेजेंस ऑफ बेस फिर ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का रिएक्शन है, ठीक है। क्लीजन कंडेंसेशन में अब आप मिक्स क्लीजन भी करवा सकते हो, तो मिक्स क्लीजन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक हाथ ग्रुप ऐसा है जिसमें अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो दैट्स द वन जिसके ऊपर अटैक होने वाला है। तो टेक्निकली दिस काइंड ऑफ अ क्लीजन कंडेंसेशन, मिक्स क्लीजन कंडेंसेशन विल रिजल्ट इन टू प्रोडक्ट, एक तो ये अपने आप पे ही रिएक्ट कर ले, अपने आप पे ही अटैक कर ले, और दूसरा कि वो इस इथाइल बेंजोएट के ऊपर अटैक कर ले, सॉरी फिनाइल बेंजोएट, नहीं रुक जा, ये इथाइल बेंजोएट है, बेंजोएट होगा ना, फिनाइल का है ना, दिस इज अ बेंजोएट एंड इथाइल ग्रुप, ठीक है। और अगर फिनाइल की जगह कोई और होता तो तीन प्रोडक्ट मिल जाते हैं, वैसे चार, चार, हाँ अल्फा अल्फा हाइड्रोजन होता तो फिर चार प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो मिक्स वाला कहानी है वो, तो फिर इंट्रामोलिकुलर में भी सेम कहानी है, आप अल्फा हाइड्रोजन देखते रहो, अल्फा हाइड्रोजन अटैक करेगा दूसरे साइड से ग्रुप को हटा देगा, इसके रिएक्शन से अपन करेंगे और अपने को समझ में आएगा और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो और इजी हो जाएगा। हम लोग कल इसके रिएक्शन अलग से कर सकते हैं, डाउट्स के बाद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज परकिंस रिएक्शन। तो अभी तक हम लोगों ने देखा एल्डिहाइड कीटोन के केस में कंडेंसेशन देखा हमने, अगर एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है तो उस केस में कनिजारो देखा, फिर क्लीजन में हमने एसिटेट एस्टर देखे, ठीक है। अब हम लोग एनहाइड्राइड देखेंगे, तो एनहाइड्राइड में अच्छी बात यह है कि आपके पास जो लिविंग ग्रुप है
ये जो है लिविंग ग्रुप जो है दैट इज योर दिस पार्ट एसिटेट आयन, ठीक है, तो ये एसिटेट आयन जो है तुम्हारा एसिड का कंजुगेट बेस जो है दैट विल बी द वन व्हिच विल बी द लिविंग ग्रुप. यहाँ पे हमको अलग से एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना पड़ रहा है बिकॉज दिस ग्रुप इन यहाँ से आप क्या करोगे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करोगे इसको कन्वर्ट कर दोगे न्यूक्लियोफाइल में. नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल हैज टू अटैक ऑन समवन व्हिच विल बी दिस इलेक्ट्रोफाइल. अब PHCHO के ऊपर आपने अटैक करवा दिया और अगेन पूरा प्रोसेस सेम ही है, ठीक है, बस इस केस में आपके पास थोड़ा सा साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू आप आगे बढ़ोगे तो आपका जो एल्डिहाइड है जिसके सी डबल बॉन्ड O पे अटैक हो रहा है तो टेक्निकली सी डबल बॉन्ड O को एंड इस एक्टिव मिथाइल ग्रुप के इनको सीधा सीधा हटा सकते हैं, ठीक है. अब सिंस ये ग्रुप छोड़ के चला गया था तो इस वाले पार्ट में यू कैन कन्वर्ट इट इनटू COOH. तो आपको यहाँ पे दो स्टेप ध्यान रखनी है, यहाँ से वाटर हटाना है और दूसरा यहाँ से ये पूरा का पूरा एसिटेट आयन हटाना है. तो यू विल एंड अप विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड. ठीक है सर, एसिटेट आयन निकाल के हम लोग को उधर OH ही लगाना है ना? OH ही लगाना है, ठीक है, वहां पे OH एसिटेट आयन जाएगा तो वहां पे वो अटैक जो करने वाला ग्रुप है दैट इज अगेन ऑक्सीजन ओनली, ठीक है. तो दिस इज परकिंस रिएक्शन. मैं क्या बोलता हूँ अपन इनके है ना कल कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सारों के, ठीक है, ताकि एक बार फिर से ये सारे डिस्कस हो जाए. अननेसेसरीली ऐसा ना हो कि अभी जितने लोगों ने दम तोड़ दिया है काफी ज्यादा 19 लोग बचे हुए, ठीक है, तो करीब करीब 26 लोग अब हमारे बीच नहीं रहे तो फिर अब उन लोगों का नुकसान ना हो तो अपन थोड़े से प्रैक्टिस कर लेंगे तो उनको भी थोड़ा फील आ जाएगा होपफुली, नहीं तो फिर बाकी. हाँ आपने लेक्चर में वो एल्डिहाइड वाला ग्रुप निकाला है, एसिड वाला नहीं, ऐसा क्या? जस्ट से क्या ना सॉरी. हाँ तो बस इसमें ये हुआ है कि मतलब जाना ये जो ग्रुप है ग्रुप को तो वैसे को टूटना है. यहाँ पे देखो ये जो स्टेप है ये स्टेप में आ रहा है, यहाँ पे इस स्टेप में कुल मिला के ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को तोड़ना है, ठीक है, एंड दोनों साइड आपको COOH बना, ठीक है. तो इसलिए मैंने बोला कि एसिड ग्रुप जा रहा है क्योंकि एक्चुअली ये नहीं जा रहा है, ये जा रहा है लेकिन ये अपने साथ OH माइनस भी लेके जा रहा है, ठीक है ना. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइक्लिक इसका मैकेनिज्म है कि दिस इज माय एनहाइड्राइड वाला ग्रुप जिसके अल्फा पोजीशन से मैंने हाइड्रोजन निकाल के इस पे अटैक कर दिया. इसके बाद ये बस इंट्रा मॉलिक्यूलर अटैक्स हुए, इसके ऑक्सीजन ने इस पे अटैक किया, इसने अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया, ये ऑक्सीजन इधर आ गया, फिर इसने CH2 जो था CH2 ने अपना अल्फा हाइड्रोजन छोड़ दिया, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन छोड़ दिया तो यहाँ पे इस ये पूरा का पूरा ये ऑक्सीजन चला गया. तो यू एंडेड अप विथ C double bond CHPH, ठीक है. तो kind of तुम ऐसा सोचो water molecule ही remove हो रहा है. Again this is a transition state, ठीक है. मतलब again like research has verified कि इस हिसाब से ही होगा, ठीक है. But बात ये है कि आपको ये सारी चीज बीच में देखने नहीं मिलेगी, ठीक है. आपको सीधा product ही मिलने वाला है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन की तरफ. श्रीधर कुछ तो बोल रहा था, बोलो श्रीधर. ये भी हो रहा है. चलो एक काम करते हैं, इसको मैं कल है ना ये एल्डोल से लेके आगे का जो पार्ट है
एक बार थोड़ा सा और करवाऊंगा, ठीक है, पूरा मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा तो शायद थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। इनके मैं तुम लोगों को शॉर्टकट्स और ये दोनों बता दूंगा, ठीक है। मेरे को क्यों तो लग रहा है यहाँ पे एक दो रिएक्शन मिसिंग है। एक दो रिएक्शन ऑलरेडी नहीं ऑलरेडी है बट कुछ तो मिसिंग है यार। एमपीवी, एमपीवी तो इसमें नहीं आएगा, एसिड में आएगा। हेल वर्ल्ड हार्ट ज़ेलेंस्की रिएक्शन है क्या इसमें? एचवीजेड शायद मैंने नहीं करवाया तुम लोगों को। मैन रीअरेंजमेंट बाकी है भाई, तुम लोग शिट ये नहीं करवाया। एंड एमपीवी रिडक्शन भी बाकी है। हेल वर्ल्ड हार्ट ज़ेलेंस्की फिर वो कार्बोक्सिलिक में आएगा। दो रिएक्शंस यहाँ पे मैंने तुम लोगों को नहीं करवाई इसलिए मैं इसको नोट करके रखता हूँ ताकि अपन करें। इसको छोड़ के और भी कुछ रिएक्शंस होंगी तो प्लीज कल याद रखना, जो इसको याद रखना अपन देखते हैं एम पी वी एंड टेक्नो, ठीक है। ये दो मैं और ऐड कर दूंगा, आज इधर ही होल्ड करते हैं, ठीक है, इसके आगे नहीं बढ़ते। कल ऐसे भी अपने पास टाइम है, कुछ नहीं प्रैक्टिस नहीं तो अपन ये कर लेंगे। विटिग रिएक्शन, विटिग रिएक्शन जो थी लगे फिर हम वो हमने इसमें विटिग नहीं करवाया, अल्कोहल में कराया था शायद, है ना, एरोमेटिक में कराया था विटिग। अल्कोहल में किया तो गया, नहीं नहीं किया अपन ने विटिग, कोई याद आ गया अपन ये विटिग भी कर लेंगे कल। सॉरी फिटिंग किया, हाँ फिटिंग और वुड्स फिटिंग किया आपने, हाँ वो कंफ्यूज है, फिटिंग कर लेंगे दाना। और भी कुछ याद आ रहा है तो देख के रखना, अगर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू स्नेहल, और ठीक है आज होल्ड करते हैं इसी पॉइंट पे, ठीक है। आप लोगों को रिएक्शन बन सकती है, एक और ऐड कर देता हूँ, मेरे को याद आ रहा है इशंत को करना है। और भाई किसी को कहीं पे कोई तकलीफ हो रही हो, पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रहा हो, जिंदगी में इशू, कुछ भी हो बता दो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि वो प्रॉब्लम सिर्फ आप ही के लाइफ में होता है, प्रॉब्लम किसी के लाइफ में चल रहा होता है। सम ऑफ अस कैन पुट इट इन वर्ड्स, सम कैन नॉट, बट अगर कहीं भी आ रहा है प्रॉब्लम देन आइडिया इज टू रिजॉल्व इट। तो तुम लोगों को ये मैं बता दे रहा हूँ, दिस इज 1st December, तुम समझ लो तुम्हारा टिक 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 ऑन हो चुका है। थैंक यू।